अस्सलाम वालेकुम बच्चों। यार जो मैंने अभी वीडियो अपलोड की है, तकरीबन 1.5-2 घंटे की वीडियो है। इसमें मैंने यूट्यूब का एक ऑप्शन होता है चैप्टर्स का, वो मैंने ऐड कर दी है। यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखते हो ना, तो आपके पास टाइम लिखा हुआ आ रहा है ना कि इतना मिनट देख लिया, टोटल इतना मिनट है। उसके साथ ही एक एरो टाइप का होता है यूं करके, उस पर क्लिक करो ना, वो चैप्टर्स का सेक्शन होता है। तो उस पर आप क्लिक करो, क्वेश्चन वाइज मैंने चैप्टर बनाया हुआ है। आपने कोई भी क्वेश्चन देखना होगा, आप उस चैप्टर में जाओ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 देखना होगा, आप क्लिक करोगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ना वो खुल जाएगा। तो चैप्टर्स की हेल्प है ना, क्योंकि वीडियो लंबी है, कोई क्वेश्चन ढूंढने लगाओगे तो मैनुअली बहुत देर लगेगी। चैप्टर्स ऐड किए हुए, आप उस तरीके से उसको नोट कर लेना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है, ये जो आप लोगों का सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 है, उसमें अगर आप देखो 6.11 के बाद आपको मिसिलिनियस प्रॉब्लम नजर आएंगे। तो ये प्रॉब्लम मैंने जब सेकंड ईयर अपलोड की थी, आज से 2-3 साल पहले, तब मैंने अपलोड नहीं किए हुए थे। तो एक तो स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है, बाकी मैंने कहा जब बुक हो रही है तो इनको भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ये इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम आपको काफी हेल्प करेंगे, इवन यूनिवर्सिटी में जब आप अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट टेक्निक इसके अंदर है और ये काइंड ऑफ थोड़े मुश्किल हैं जो आपने पहले पढ़े में, मतलब बाकी एक्सरसाइज में। इसमें कुछ ऐसे हैं जो आपको टफ लगेंगे, ठीक है। तो मैं रैंडम आप लोगों को करवाऊंगा, स्टेप्स पे मैं इतना फोकस नहीं करूंगा। चैप्टर नंबर 6 अपलोड हुआ है ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पे, उस पर स्टेप के साथ मैंने सब वर्किंग करवाई हुई है। तो यहाँ पे मेरा फोकस होगा सवाल को समझाना, स्टेप्स किस तरीके से है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से, वो आप लोगों को पता है किस तरीके से करनी है, उस पर मेरा फोकस नहीं होगा ज्यादा। तो मेन स्टेप जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से आपने करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, मिसिलेनियस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रल 5x² - 3x + 1 / x² + 1। देखो मैं आपको पहले बता दूं, इंटीग्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक होती है कि आप पावर रूल लगा सकते हो या आप एलन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर ये किसी सवाल पे, अब मैं ये नहीं बता रहा कि कब लगता है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 में बताया है। सबसे पहली टेक्निक ये होती है। दूसरी टेक्निक क्या होती है कि आप यू सब्स्टिट्यूशन कर लो। कि अभी आप कभी देखो कि आपका सवाल पावर रूल से नहीं हो रहा, एलन से नहीं हो रहा, तो आप यू करके देखो, चांसेस होते हैं कि सवाल बन सकता है। उसके बाद टेक्निक आपने पढ़ी थी, फॉर्मुले भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मुले हर इंटीग्रल पे अप्लाई नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई इतने ज्यादा फॉर्मुले याद करो फिर भी अप्लाई ना हो तो फायदा नहीं है ना। तो मेन फॉर्मुले थे ना जो मैंने आप लोगों को 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में बताए थे, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स वाले, वो 3 फॉर्मुले आप याद कर लो बस। अच्छा, तो ये मैंने आप लोगों को बताया पावर रूल, एलएन या यू आप लगा दो। उसके बाद कोई रैंडम सवाल है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल लगाओ, एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल का लगाओ, ठीक है। तो ये आप देख लेना। उसके बाद जो आपने टेक्निक पढ़ी थी वो टेक्निक थी कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो, 6.5 की टेक्निक थी ये। उसके बाद कंप्यूटिंग स्क्वायर, कंप्यूटिंग स्क्वायर करने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, आप वहां पे कोई पावर रूल भी लगा सकते हो, मे बी सिचुएशन बन जाए, पावर रूल सिचुएशन वैसे नहीं बनेगी, लेकिन आपको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो आफ्टर कंप्यूटिंग द स्क्वायर। तो कंप्यूटिंग द स्क्वायर भी एक अलग टेक्निक है, उसके बाद आप बाकी टेक्निक का सहारा लोगे। अच्छा, इसी तरह 6.7 में आपने एक और टेक्निक पढ़ी थी जिसको आप कहते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि आपके पास 2 फंक्शन है और उनकी भी स्पेसिफिक कंडीशन होती है, रैंडमली कोई 2 फंक्शन ना हो कि सेक के साथ एक्सपोनेंशियल आ गया, नहीं कर पाओगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। उसकी भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि ये 2 फंक्शन है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद आखिरी टेक्निक आपने पढ़ी थी उसको आप बोलते हो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन वाली टेक्निक, अगर बाकी टेक्निक फेल हो गए तो आप पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हो। ये मेन टेक्निक है जो आपने कोई भी सवाल पेपर में है, आपको नहीं पता ये किस एक्सरसाइज से बिलोंग करता है, तो आपने इन सब टेक्निक को जहन में रखना है और फिर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब अगर हमें सब टेक्निक्स को देखो तो यहाँ पे आपको पावर रूल नहीं नजर आएगा, इंटीग्रेशन में पार्ट नजर नहीं आ रही, एक चीज नजर आ रही है वो पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर देखो तो 2 फैक्टर लिखे हुए हैं, एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर, दूसरा फैक्टर है x² + 1। x² + 1 को आप मजीद फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो इमेजिनरी फैक्टर हो जाएंगे, रियल नहीं होंगे, तो आप इनको ऐसे ही रहने दो। आप क्या करोगे, आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में आप क्या करते थे, आप डिनोमिनेट जो इंटीग्रल और डीएक्स के अलावा जो फ्रैक्शन है ना उसको कंसीडर करो। सबसे पहली बात ये प्रॉपर है क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है, तो उसका मतलब आप पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक लगा सकते हो। आप कंसीडर करो 5x² - 3x + 1 / x² + 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह तोड़ोगे, अगर आप ऑब्जर्व करो पहला फैक्टर जो है वो लीनियर फैक्टर है, पहला लिखा हुआ है x² को इस तरह भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल लिखने का तरीका है x² को इस तरह भी लिख दोगे, तो कहने का मतलब ये कि लीनियर फैक्टर है ये, और ये लीनियर फैक्टर है लेकिन 2 दफा आ रहा है, x² का मतलब x * x, 2 दफा चीज आ रही है ना ये, तो ये बनेगा केस 2 इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का। तो केस 2 में आप किस तरीके से एक्सपेंड करते हो,
आप लिखते हो सबसे पहले a डिवाइडेड बाय जो भी लीनियर फैक्टर है उसकी पावर 1, फिर b अपॉन जो भी लीनियर फैक्टर है उसकी पावर 2। अगर इसकी पावर 3 होती मतलब x क्यूब होता तो फिर आप लिखते c अपॉन x क्यूब, वो है नहीं तो हम वो कंसिडर नहीं करेंगे, तो x स्क्वायर का तो हमने इलाज कर लिया। अगर आप दूसरे फैक्टर को देखो तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर कहलाता है एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये नहीं मुझे बोलना कि सर एक्स स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक है, भाई मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक किया एक्स इंटू एक्स की फॉर्म में, तो अब ये दो लीनियर फैक्टर मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप इसको इस तरह कर लो ना, तो अब ये दो लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, रिपीटिंग फैक्टर है तो आप इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हो। इवन यहां पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन होता, अब ये है तो क्वाड्रेटिक लेकिन आप इसको लीनियर में कन्वर्ट कर देते एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, लेकिन आप इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते ना एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप किस तरह लिखते हो सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के तरीके क्या होंगे भाई, अब देखो यहाँ पे अननोन बहुत ज्यादा है, बाय द वे सवाल पेपर में इतने आने के चांसेस नहीं होते क्योंकि बड़े सवाल होते हैं ये, लेकिन आए हुए तो इसलिए मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आप लोगों को। इसमें बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कोफिशिएंट को कंपेयर करवाओ, क्योंकि ए या किसी एक की तो वैल्यू आ जाएगी जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, कि आप किसी एक को जीरो करोगे एक्स की खास वैल्यू पुट करो वो जीरो हो जाएगा तो बाकी एक और की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो इनमें इतनी अप्लाई नहीं हो पाती खासतौर पर जहां क्वाड्रेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ता है आपको कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ते हैं। ये भी टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई हुई है पार्शियल फ्रैक्शन में, आखिरी लेक्चर में आपको मिल जाएगी। तो टेक्निक क्या होती है, सबसे पहले आप क्या करो जो डिनोमिनेटर है इससे लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड बच जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मैं पहले ही बात बोल रहा हूं कि चैप्टर नंबर 6 की सारी वीडियोस देखना उसके बाद ही देखना, ये नहीं बोल रहा हूं कि सर आप जल्दी क्यों करवा रहे हैं, मेरे जहन में ये मैं समझ के करवा रहा हूं कि आपको आता है हर चीज उसके बाद आप ये करोगे, दैट्स व्हाई मैं टाइम नहीं लगा रहा। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया बच गया, अच्छा अगर आप राइट हैंड साइड को स्ट्रक्चर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल होगा तो आपके पास जस्ट एक एक्स बच जाएगा इस तरीके से। इसी तरह इस वाली चीज को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल बी के साथ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और जब इस पूरी चीज को आप यहां मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास बच जाएगा सी एक्स प्लस डी और उसके साथ होगा एक्स स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अब आपने कोएफिशिएंट सेम करना है जो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के टर्म को एक साथ लिखो एक्स के टर्म को एक साथ लिखो और कांस्टेंट के टर्म को एक साथ लिखो। किस तरीके से लिखोगे, बहुत इजी तरीका है अभी लिख लेते हैं हम भाई, यहां पे एक्स क्यूब की टर्म भी आएगी लेकिन एक्स क्यूब की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जरूरत पड़ भी सकती है चलो हम एक्स क्यूब भी लिख देते हैं, मे भी किसी एक अननोन की वैल्यू एक्स क्यूब से आप निकाल लो जरूरत पड़ जाएगी बिल्कुल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इधर एक्स क्यूब नहीं है तो एक्स क्यूब ले आएंगे हम जबरदस्ती, हमें सब काम करने आते हैं। तो आप सबसे पहले एक्स क्यूब की कौन सी टर्म होगी, दो टर्म आएंगी आपके पास, अगर मैं पे चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं सिंपल लैंग्वेज में, ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब, ए एक्स को वन से मल्टीप्लाई करो ए एक्स, अच्छा बी को मल्टीप्लाई करो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, अच्छा सी एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से सी एक्स क्यूब, और डी को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर से डी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की टर्म एक ये है एक ये है, तो कॉमन लो एक्स स्क्वायर आपके पास आएगा ए प्लस सी, एक्स स्क्वायर की टर्म एक ये है एक ये है, आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो बी और डी आ जाएगा बी प्लस डी, फिर ये एक्स की टर्म है और एक ही है तो आप लिखो ए एक्स, और फिर कॉन्स्टेंट जो है वो भी सवाल में एक ही है वो क्या है बी है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को भी आप इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सबसे पहले एक्स क्यूब नहीं है तो आप लिख दो जीरो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5x स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट -3 और कॉन्स्टेंट क्या है यहां पे 1। अब आप बस कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो, लिख दो भाई ऑन इक्वेटिंग ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स और कॉन्स्टेंट, तो क्या होगा भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे ए प्लस सी है यहां पे जीरो है तो आपके पास इक्वेशन आएगी ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी प्लस डी है यहां पे 5 है तो मतलब बी प्लस डी बराबर हो गया 5 के, अच्छा एक्स का कोएफिशिएंट यहां पे ए है और यहां पे -3 है तो ए की डायरेक्ट वैल्यू आ गई -3, कॉन्स्टेंट यहां पे बी है और यहां पे कॉन्स्टेंट 1 है इसका मतलब बी की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 1, तो ए और बी तो आपका डायरेक्ट आ गया, यहां पे ए की वैल्यू पुट करो सी आपके पास आ जाएगा 3, यहां पे बी की वैल्यू पुट करो डी आपके पास आ जाएगा 4। ये आपने ए बी सी डी जो है वो सब निकाल दिया, जब आप ये निकाल लो तो अब आपकी इंटीग्रेशन ईजी है। अब आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आप इस वैल्यूज पुट कर दो इस फैक्टर के अंदर,
तो a की जगह आप पुट कर दोगे -3 अपॉन x, b की जगह पुट कर दोगे आप 1, और c x प्लस डी है ना, c 3 है और d 4 है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रल आप लोगे, तो यहां पे भी इंटीग्रल आ जाएगा dx, यहां पे भी आएगा इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx। अब भाई मैं स्टेप स्किप कर रहा हूं क्योंकि मेरा काम है आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना, स्टेप बनाना कुछ काम नहीं मेरा यहां पे। आप सॉल्व करो, माइनस थ्री को बाहर निकालना, 1 अपॉन x बचेगा, 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन होती है ln x। इसी तरह ये x 1 अपॉन x स्क्वायर है, ln वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता इसके ऊपर क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x है जो कि ऊपर मौजूद नहीं है। तो आप क्या करो, पावर लगाओ, x स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा x की पावर -2। इस पे जब आप पावर लगाओगे ये हो जाएगा x की पावर -1 और नीचे भी -1 आ जाएगी। और जो आखिरी चीज लिखी हुई है उसको अब आपने इंटीग्रेट करना है। अब उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, उसको इंटीग्रेट करने का तरीका ये होगा, देखो अभी तो नहीं कर सकते, अगर आप ln वाला फॉर्मूला लगाओ नहीं लगा सकते क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x आ रहा है जो ऊपर 2x तो मौजूद नहीं है, ऊपर खाली अगर सिर्फ 3x होता ना तो आप 3 को बाहर निकालते और अपनी तरफ से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते, लेकिन यहां पे 4 भी मौजूद है, दो टर्म है ऊपर, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ आप एक काम कर सकते हो, और वो काम आप क्या करोगे यार, ये काम करना, मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, जब आप लोग प्रॉपर स्टेप लिखते हो तो एक ही स्टेप में आपने इंटीग्रेट करना है, तो अभी मैंने दो इंटीग्रेट नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जब ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाए, जब इंटीग्रेट करने लगो तो फिर सबको इंटीग्रेट करना, ये अच्छा तरीका होता है। तो किस तरह सिंप्लीफाई करोगे, मैं यहां पे कर देता हूं, आप लिखोगे एलसीएम ब्रेक करो, ये हो जाएगा 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx और ये हो जाएगा 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या करोगे आप भाई, यहां पे सिंपल 3 को बाहर निकालो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x है जो कि ऊपर मौजूद है, ln वाला फॉर्मूला लगा दोगे, इसका आंसर हो जाएगा 3 अपॉन 2 ln 1 प्लस x स्क्वायर। अच्छा यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले तो 4 को बाहर निकालो, काम का नहीं है, अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इंटीग्रल जो मैंने आप लोगों को 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था टेंजेंट इनवर्स वाला, एग्जैक्ट वही फॉर्मूला लगेगा। अगर फॉर्मूला ना भी लगे तो ये ऑब्वियस ही बात है कि इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, जब आप इंटीग्रेशन मालूम करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि भाई जो भी फंक्शन लिखा है ये बेसिकली किसी का डेरिवेटिव था, तो आप मालूम करते हो ये किसका डेरिवेटिव था, ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है ना, कि जो भी फंक्शन लिखा है आप मालूम करते हो ये किस चीज का डेरिवेटिव था। तो अगर आपको याद हो आप टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव निकालते थे तो 1/1 + x² आता था, तो ये टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो जब आप इसका इंटीग्रल लोगे तो टेंजेंट इनवर्स आएगा। अब जो मेरे YouTube पे लेक्चर अपलोड है ना उसमें मैंने इतनी डिटेल में चीजें नहीं बताई हुई, ठीक है, बहुत 3-4 साल पहले किया था, नॉलेज भी कम था, इतना नहीं था, अब ये आप चीजें को सुनो कुछ आप लोगों को नहीं लगेंगी क्या बता रहे हैं सर, वो आप थोड़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है ना। अच्छा खैर, तो ये बस आंसर है इसका, एंड पे आप प्लस सी लगा दो, खत्म होगी बात, ये इसका इंटीग्रल होता है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको -1/x लिख देना, एक ही बात। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रल dx अपॉन साइन x cos x, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। देखो अगर दो फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं तो आप इंटीग्रेट और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, आपके लिए इंटीग्रेट करना मुश्किल है, आपको डिफरेंट काम करने पड़ेंगे। अब डिफरेंट काम में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर साइन और कॉस लिखा हुआ है, कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते तो आप उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते और डिफरेंट सिचुएशन कर रहे होते, लेकिन यहां पे बड़ा इजी है, साइन और कॉस ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये चीज आपने देखी हुई है, बस आपको रिमेम्बर करना है कि देखा कहां पे था आपने, ये आपने देखा था फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 के अंदर जब आप बेसिक हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूले पढ़ रहे थे, आई गेस 10.3, हाँ 10.3 के अंदर ये था, तो 10.3 में आपने टॉपिक पढ़ा था डबल एंगल फॉर्मूला, जिसमें आपने देखा था कि साइन 2x बराबर होता था 2 साइन x cos x। तो देखो साइन x cos x मौजूद है, आप क्या करो 2 को डिवाइड करवा दो, तो मतलब साइन x cos x किसके बराबर होता है, साइन 2x अपॉन 2 के बराबर होता है, तो आप लिख दो यहां पे, इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करते हैं और डिनोमिनेटर की जगह आप लिख दो साइन 2x अपॉन 2, चाहो तो आप एक्सप्लेनेशन दे दो, सेंस करके लिख दो कि मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, अच्छा तरीका हो जाएगा। ये जो 2 है ना ये जाएगा ऊपर, मतलब यहां पे आ जाएगा, तो सिचुएशन ये बन जाएगी कि ये 2 बेचारा ऊपर मौजूद है,
अब डिनोमिनेटर में साइन मौजूद है, मतलब अगर आप ऑब्जर्व करो वन अपॉन साइन ये फॉर्म मौजूद है ना, तो वन अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। तो इस इंटीग्रल को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक 2x, वन अपॉन साइन ये बराबर हो जाएगा कॉसेक 2x के, और जब 2dx है ये अपने जगह पे। अब वक्त आगे कि आप इसको इंटीग्रेट कर दो, कॉसेक का इंटीग्रल आपको पता है, बिल्कुल पता है। यहां पे एंगल क्या है 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है जो के साथ मौजूद है, दैट्स इट, मौजे मनाओ। इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो दो फॉर्मूले आएंगे, एक इसका आंसर होगा ln cosec 2x - cot 2x, एक इसका ये आंसर है, और दूसरा आंसर क्या होगा जो बुक में भी लिखा हुआ है वो है ln tangent जो भी एंगल है डिवाइडेड बाय 2 और प्लस सी ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा ln tangent x + c। अब यहां पे स्टूडेंट का सवाल होगा सर अगर हम पहला वाला लिखें तो फिर ठीक है यार, तो पूछने वाली बात है, ये लिखो वो लिखो बात एक ही है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। ये क्यों लिखवाया सर आपने, इसे लिखवाया थोड़ी देर बाद आंसर पूछने को आ जाएगा, तो बेहतर है जब आराम से दो चीजें हो सकती हैं तो बुक से मैच करवा देता हूं मैं, लेकिन मर्जी है भाई दोनों फॉर्मूले जो भी लिखो आपकी चॉइस है, कोई रोकेगा नहीं आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इंटीग्रल एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स। भाई देखो सवाल ना इंटीग्रेशन में पार्ट्स हो सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लग सकती, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लग सकती, कंप्यूटिंग स्क्वायर भी नहीं है, पावर रूल भी नहीं है, एलएन वाला भी नहीं है, तो आप खुद ही समझ जाओगे भाई एक ही बचा है कि यू किसी को मैं लेट कर लूं, सवाल शायद मेरा इजी हो जाए। अब आप यू लेट कर लो, सबसे मुश्किल चीज मुझे लग रही है रूट एक्स, मैं यू लेट कर लेता हूं इसको, ठीक है। आप 1 प्लस रूट एक्स को भी यू लेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं यहां पे रूट एक्स को यू लेट कर लेता हूं क्योंकि आंसर बिल्कुल सिंप्लीफाइड आएगा। तो लेट यू इक्वल टू रूट एक्स, आप डिफरेंशिएट करो डी यू अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। सॉल्व करो, 2 रूट एक्स को उधर ले आओ और डी एक्स को उधर ले जाओ। देखो आपका पूरा सवाल यू की फॉर्म में होना चाहिए, ये नहीं कि आधा सवाल एक्स की फॉर्म में आधा सवाल यू की फॉर्म में। तो dx की वैल्यू में जो रूट एक्स आ रहा है इसकी जगह पे आप लिख दो u, इस तरीके से, ठीक है। तो रूट एक्स जो है वो किसके बराबर हो गया, u के बराबर हो गया। अच्छा उसके बाद आप क्या करोगे यहां पे, आपने करना ये है कि dx की वैल्यू तो निकाल ली, रूट एक्स जो है वो भी u के बराबर है, सवाल है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू भी हमें निकालनी है, तो आप इसको सॉल्व करो स्क्वायरिंग करो, x बराबर हो जाएगा u स्क्वायर के जब आप स्क्वायरिंग करोगे। तो अपने सवाल को चेंज करते हैं, x की जगह लिख दो u स्क्वायर, dx की जगह पे लिख दो 2u du, डिनोमिनेटर में आएगा इसकी जगह u, ये आपका सवाल है। तो जरा मजीद सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 को बाहर निकालो भाई, 2 का कोई काम नहीं है, ये हो जाएगा u क्यूब अपॉन du डिवाइडेड बाय 1 प्लस u। अब अगेन फिर फंस गए, अब क्या करना है यहां पे, तो यहां पे तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कोई ऐसा ऑब्वियसली बाकी चीजें नहीं लग पाएंगी, लेकिन यहाँ पे आप डिवाइड करके भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, आपको हो जाएगा सवाल। किस तरीके से, क्या बात कर रहा हूं मैं, आप डिवाइड करो यू क्यूब को किससे, 1 प्लस यू से। अब डिवीजन थोड़ी डिफरेंट है लेकिन इस तरह भी पॉलीनोमियल डिवीजन होती है, फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह लिखते हैं यू प्लस 1। किस तरह डिवाइड करते हो, यू को मल्टीप्लाई करो, मतलब यू को किससे मल्टीप्लाई करो, तो यू क्यूब आएगा, यू को यू स्क्वायर से करो, ठीक है, और यू स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो यू स्क्वायर। अब देखो ऊपर यू स्क्वायर नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा वरना आपकी डिवीजन नहीं होगी, तो अब यहां पे 0 यू स्क्वायर लगा दो, ठीक है। साइन चेंज करो, ये नेगेटिव 0 माइनस यू स्क्वायर, ये सिंपल माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप यू को आप किससे मल्टीप्लाई करो, यू को माइनस यू से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर, और माइनस यू को 1 से करो माइनस यू, अगेन ऊपर आपको नजर नहीं आ रहा तो आप अपनी तरफ से 0 यू लगा दो। साइन चेंज करो, पॉजिटिव पॉजिटिव 0 यू, बेशक उतार भी दो यहां पे कोई फायदा नहीं है, आंसर जो है वो आपका यू ही आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यू को आप मल्टीप्लाई करो 1 से, यू 1 का यू होता है, और 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो 1, अगेन ऊपर आप 0 लगा दो। देखो अगर क्यूब की फॉर्म में पूरी आपकी पॉलीनोमियल गिवन है तो आपको सब टर्म होनी चाहिए उसके अंदर, अगर कोई टर्म नहीं है तो फिर मसला होता है इस चीज का। अच्छा तो आप क्या करो यहां पे, 0 उतारोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर माइनस 1 आंसर। तो जब आप पूरा डिवाइड, अच्छा डिवीजन में आप रुकते हो उस वक्त हो जब आपने देखा कि जो इसकी डिग्री है उससे एक कम यहां पे होनी चाहिए, अगर इसकी डिग्री 1 है तो यहां पे रिमाइंडर में डिग्री 0 होनी चाहिए,
तो कांस्टेंट की डिग्री जीरो होती है, आप डिवीजन को रोक दोगे। अब लिखोगे किस तरीके से, डिवीजन को लिखने का तरीका क्या होता है, मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, टू इंटीग्रल और डीयू के दरमियान ये जो पूरी फ्रैक्शन है ना, जब हमने डिवाइड किया तो उसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है, रिमाइंडर प्लस कोशेंट, नहीं उल्टा बोलते, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। कोशेंट यहां पे क्या है, जो ऊपर चीज लिखी होती है, तो कोशेंट है यू स्क्वायर माइनस यू प्लस वन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है माइनस वन डिवाइडेड बाय डिवीजर, डिवीजर क्या है यू प्लस वन। तो ये जो पूरी फ्रैक्शन आपके पास लिखी हुई है ना, अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो यही चीज आ रही होगी। इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल था, इसको इंटीग्रेट करना इजी है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे देख लेते हैं भाई। आप इंटीग्रल हर टर्म के ऊपर अप्लाई करो, इंटीग्रल इस पे इस पे इस पे और इस पे अप्लाई करो, टू को बाहर ही रखते हैं फिलहाल, ये हो जाएगा यू स्क्वायर डी यू, फिर इंटीग्रल इसके ऊपर अप्लाई करो यू डी यू, इंटीग्रल वन के ऊपर अप्लाई करो डी यू, अच्छा इंटीग्रल इसके ऊपर अप्लाई करो माइनस को बाहर निकालो डी यू अपॉन यू प्लस वन, सही है। आप इंटीग्रेट करने का वक्त आ गया, कैसे इंटीग्रेट करोगे, यू स्क्वायर और टू को मैं मल्टीप्लाई भी करता जा रहा हूं साथ साथ, तो यू स्क्वायर का इंटीग्रल होता है यू क्यूब अपॉन थ्री, अच्छा माइनस यू का इंटीग्रल होगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, जो नीचे वाला टू है वो इस वाले टू से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो माइनस यू स्क्वायर। डी यू का इंटीग्रल हो जाएगा यू टू से मल्टीप्लाई करो टू यू, अच्छा इसमें अगर आप सॉल्व करो इसका इंटीग्रल क्या होगा, एलएन वाला फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा एलएन यू प्लस वन, एलएन यू प्लस वन को टू से मल्टीप्लाई करो वन प्लस यू होगा ना, हाँ प्लस ही कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये ज्यादा है कि आपका सवाल x की फॉर्म में और आपका आंसर u की फॉर्म में आ रहा है, इनडेफिनेट में ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, जिस वेरिएबल में उसी में आंसर आना चाहिए, डेफिनेट में कोई मसला नहीं है भाई। सवाल अगर x की फॉर्म में आप उसको q की फॉर्म में कर दो, आप उसको a की फॉर्म में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेट में आंसर में वैल्यू आती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेट इंटीग्रल डजंट केयर कि आप क्या करो उसके साथ, इनडेफिनेट डज केयर। अच्छा तो अब यहां पे आप u की वैल्यू आपने क्या लेट की थी, आपने u को लेट किया था रूट एक्स के बराबर, आप u की जगह रूट एक्स पुट कर दो, तो यहां पे जब आप रूट एक्स पुट करोगे रूट एक्स का जब आप क्यूब लोगे तो याद आएगा रूट एक्स का क्यूब लेना है, x की पावर 1 अपॉन टू, 1 अपॉन टू को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 अपॉन टू हो जाएगी पावर, फिर यहां पे u स्क्वायर की तो वैल्यू निकाली भी आपने, u स्क्वायर x के बराबर होता है ना, तो यहां पे x पुट कर दोगे, U किसके बराबर होता है, U सिंपल रूट एक्स के बराबर होता है, तो टू रूट एक्स माइनस टू एल एन वन प्लस यू, यू है रूट एक्स प्लस सी, और इस तरीके से आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, और क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा हुआ है साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो बच्चों ये सवाल तो सिंपल पावर रूल का, कैसे पावर रूल से करेंगे, ऊपर ले जाओ बस इस फंक्शन को, हो जाएगा सवाल। इसको जो ऊपर लेके जाओगे इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, अभी नीचे पावर 1 अपॉन 2 है, ऊपर जाके माइनस 1 अपॉन 2, और ऊपर ऑलरेडी क्या मौजूद है साइन एक्स। पावर रूल क्या होता है भाई, नीचे जो बेस आपकी लिखी हुई है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, साइन मौजूद है माइनस चाहिए आपको, तो अंदर भी माइनस लगा दो बाहर भी माइनस लगा दो, अब जो बेस है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है आप पावर रूल लगा दो, ठीक है तो पावर रूल लगाओ, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 में जब आप 1 ऐड करोगे तो 1 अपॉन 2 आएगा, नीचे भी 1 अपॉन 2 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अपने को सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बहुत इजी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स डीएक्स। किस तरीके से सॉल्व करोगे, सिंपल साइन का जो इंटीग्रल का फॉर्मूला था वो आप अप्लाई करोगे, बस थोड़ा सा चेंज करके लिखो, इसको आप लिख सकते हो साइन रूट एक्स और नीचे वाला जो है उसको थोड़ा सेपरेट करके लिखते हैं। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, लेकिन शर्त होती है कि जो एंगल है उसका डेरिवेटिव वो कंप्लीट होना चाहिए, वो साथ होना चाहिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स मौजूद है 2 नहीं है, तो आप नीचे 2 लगा दो, अगर आप अपनी तरफ से इधर नीचे लगा रहे हो तो उधर आपको ऊपर लगाना पड़ जाएगा, तो आपने अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब जो एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इसका आंसर क्या होगा, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस आ गया,
प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो इसका आंसर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा हुआ है डी थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। किस तरह सॉल्व करोगे बच्चों? कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, टेंजेंट साइन अपॉन कॉस होता है, लिख देते हैं भाई। तो एक हो गया कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन कॉस। एलसीएम लेना है बच्चों, एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। ये कॉस यहां पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये साइन यहां पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब दो पे आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहे हो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है कॉस टू थीटा के, कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला। जबकि साइन थीटा कॉस थीटा दूसरे सवाल के अंदर बताया था, ये बराबर होता है साइन टू थीटा अपॉन टू के। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस पूरी चीज को ऊपर ले जाओ, ये है क्या साइन टू थीटा अपॉन टू है ना, इसको जरा मैं ऊपर ले जाता हूं, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा साइन टू थीटा अपॉन टू, और डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये बराबर होता है कॉस टू थीटा। ये जो टू है ना, जो डिनोमिनेटर में आ रहा होगा, इसको हम बाहर निकाल देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाए। तो अब सिंपल क्या बचेगा, साइन टू थीटा और डी थीटा। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, आप इसको टेंजेंट थीटा लिख दो, इस तरह भी कर सकते हो, और टेंजेंट का इंटीग्रल लगा दो, या आप इस पे एलएन वाला फॉर्मुला भी लगा सकते हो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, माइनस टू चाहिए आपको, बस कर लेंगे जो आठ। कॉस का डेरिवेटिव होता है ना माइनस साइन टू थीटा, और फिर एंगल का डेरिवेटिव टू, तो वो ऊपर टू से माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आप उस तरह भी कर सकते हो, लेकिन टेंजेंट से कर लेते हैं, ज्यादा ईजी है। साइन अपॉन कॉस होता है टेंजेंट, ये हो जाएगा टेंजेंट टू थीटा। टेंजेंट का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको एंगल का डेरिवेटिव कंप्लीट करना है, टू आपको अंदर भी चाहिए टू बाहर भी चाहिए, ये कर कंप्लीट हो गया। अब आप इस पर फॉर्मूला लगाओ भाई, आंसर क्या होता है, टेंजेंट का आंसर होता है एल एन सेक टू थीटा प्लस, ठीक है। अच्छा बुक में कॉस की फॉर्म में आंसर आएगा, अगर पहली वाली टेक्निक लगाओगे तो बुक में कॉस की फॉर्म में आएगा, तो कोई मसला नहीं, पहली वाली टेक्निक लगाओगे तो इसका आंसर आ रहा होगा माइनस वन अपॉन फोर एल एन कॉस टू थीटा, और इस वाली टेक्निक से वन अपॉन फोर एल एन सेक आ रहा है, कोई मसला नहीं, अभी भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, अभी भी अगर आप आंसर को बुक की फॉर्म में चाहो तो कर लोगे, कोई मसला नहीं है। वन अपॉन फोर लिखो, एल एन लिखो, सेक की जगह लिखो वन अपॉन कॉस टू थीटा। वन अपॉन कॉस टू थीटा को किस तरह लिख सकते हो, कॉस टू थीटा की पावर माइनस वन, ये माइनस वन नीचे आ जाएगा, आ गया बुक का आंसर माइनस वन अपॉन फोर एल एन कॉस टू थीटा। तो जुगाड़ हमारे पास बहुत है आंसर निकालने की भाई, हर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि बुक का आंसर निकालना कोई जरूरी नहीं है, आ गया तो सही है, नहीं आया तो ना निकालो, कोई मसला नहीं, कभी मैं बुक का आंसर निकाल देता हूं, कभी मैं नहीं निकालता। क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा हुआ है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है डी थीटा, क्वेश्चन नंबर सेवन है, और उसके नीचे लिखा हुआ है टू कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, इसको आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन बता रहा है कि यार आप कोसेक को चेंज कर लो यहां पे, क्यों, क्योंकि साइन इसके साथ लिखा हुआ, आसानी से इस तरह कर सकते हो, ये कोसेक को चेंज करो, ये हो जाएगा टू अपॉन साइन माइनस साइन। अच्छा सॉल्व करो बच्चों, साइन को साइन से करो, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू, तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, टू माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन आ जाएगा। ये जो साइन है इसको आप ऊपर ले जाओ, डी थीटा के साथ लिख दो, नीचे जो टू माइनस साइन स्क्वायर है ये क्या होगा, ये इसको आप इस एक काम कर सकते हो, आप वो काम का फायदा होगा देख लेते हैं, शायद हो जाए फायदा, इसको आप लिख सकते हो टू, मतलब इसको आप ब्रेक कर दो, वन प्लस वन और माइनस साइन स्क्वायर, टू को आपने ब्रेक कर दिया वन प्लस वन में, वन माइनस साइन स्क्वायर जो है बराबर होता है कॉस स्क्वायर के, तो डिनोमिनेटर को आप लिख सकते हो वन प्लस कॉस स्क्वायर। सवाल यह है कि इसको इस तरह लिखने में फायदा हुआ हमें या नहीं। अब आप इस पे एलएन वाला फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। आज जब इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर हो जाएगा टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इसका डेरिवेटिव आएगा, इसका मतलब एलएन वाला तो आप यहां पे नहीं लगा सकते। उसके बाद कोई और जुगाड़ आप देखोगे, यहां पे आप यू से कर सकते हो, लेकिन यू से करने की जरूरत है नहीं क्योंकि 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वहां जो आपने फॉर्मूला देखा था टेंजेंट इनवर्स वाला ये वही है। अभी मैं आपको बता दूं कैसे वो बना है,
आपने फॉर्मूला याद है पढ़ा था कि अगर मैंने यूट्यूब पे तो इस फॉर्म में आप लोगों को करवाया है ना कि ऊपर मुझे नहीं याद मैंने यूट्यूब पे किस तरीके से करवाया है। मैं आपको चलो वैसे बता देता हूँ कि अगर आपके डिनोमिनेटर में एक कोई कॉन्स्टेंट हो जिसका स्क्वायर हो प्लस कोई भी एक फंक्शन है जिसका स्क्वायर है और जो नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, ये टेंजेंट इनवर्स वाली कंडीशन थी। तो इसका आंसर क्या था, 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एफ अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। एग्जैक्ट वही चीज है, मैं बताता हूं कैसे। अब जरा देखो, 1 का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस एक फंक्शन का स्क्वायर है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है भाई, मर्जी एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक इनवर्स कुछ भी है फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, फंक्शन है cos, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन जो कि ऊपर मौजूद है, इस पे लगा दो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वन अपॉन ए, ए यहां पे वन है, लिखो ना लिखो बात एक ही है। फिर था टेंजेंट इनवर्स फंक्शन अपॉन ए, फंक्शन है cos थीटा, ए अभी भी वन है, लिखो ना लिखो बात एक ही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स cos थीटा प्लस सी, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है यह e की पावर 2x है शायद, पता नहीं मिलाया है उन्होंने, देख लेते हैं ये लिखा हुआ है। तो आप इसको सॉल्व, सिंपल बहुत ही इजी केस है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, ये कैसे इसको सॉल्व करोगे, आप ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x dx इस तरीके से। तो आप इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन में पार्ट लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अब इंटीग्रेशन में पार्ट का नॉर्मल तरीका जो है ना, जो पेपर में आप लोगों ने करना है स्टेप्स के साथ, मैंने ऑलरेडी करवाया है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा जो मुझे आता है, जो इसकी शॉर्टकट होती है। लेकिन मैं शॉर्टकट से नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहा हूं। ये अलजेब्रिक है और ई एक्सपोनेंशियल होता है, ई हमेशा वी लेते हो आप ई को, क्योंकि ई बिल्कुल आखिर में, तो जो मैंने आप लोगों को बताया मैंने लाइट लेटे बोल दो या लाइट बोल दो, एल आई ए टी ई, तो अलजेब्रिक तीसरे नंबर पे, तो अलजेब्रिक को आप यू लोगे और ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है इस पूरे इंटीग्रल का, इसका आंसर होगा U इंटीग्रल वी डी एक्स। अब e की पावर माइनस टू एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो पावर का डेरिवेटिव साथ होगा, पावर क्या है माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस टू, माइनस टू साथ लिखना और माइनस टू नीचे आएगा, तो वो माइनस टू यहां पर आ गया माइनस वन अपॉइंट टू, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो अपनी जगह पे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। फिर फॉर्मूला माइनस था इंटीग्रल डी यू अपॉन डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो टू एक्स, अगेन इंटीग्रल वी डी एक्स, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, माइनस माइनस पॉजिटिव, आंसर आ रहा है एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स डी एक्स। अगेन इस पर इंटीग्रेशन में पार्ट लेगी, मैं यहीं पे लगा रहा हूं, आप लोगों को मैंने तरीका बताया था किस तरह लगाते हैं, मैं डायरेक्ट यहां पे कर रहा हूं प्लस, ये ब्रैकेट का मतलब इसमें पूरे इंटीग्रल को सॉल्व कर रहा हूं। अगेन आप क्या करोगे, इसको यू लोगे इसको वी लोगे, तो यू इंटीग्रल वी डी एक्स अभी भी वही रहेगा, माइनस इंटीग्रल डी यू अपॉन डी एक्स वन होगा, अगेन इंटीग्रल वी डी एक्स, सॉल्व करो माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन टू, ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस मतलब ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन टू, माइनस माइनस पॉजिटिव, वन अपॉन टू को बाहर निकालो, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस टू एक्स डी एक्स। और अगेन e की पावर माइनस टू एक्स के लिए आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रल आपको पता है जो बार बार आप लिख रहे हो, इसका इंटीग्रल होगा माइनस वन अपॉन टू e की पावर माइनस टू एक्स, तो उसको इंटीग्रल हमने सॉल्व कर दिया, मेथड हर चीज मैंने आप लोगों से डिस्कस की है। तो सिंप्लीफाई करोगे हो जाएगा वन अपॉन फोर ई की पावर माइनस टू एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम जरा कंफर्म भी कर लेते हैं बुक वालों ने इसी फॉर्म में लगाया हुआ है नहीं, बुक वालों ने कॉमन लिया हुआ है, e की पावर 5x किया हुआ है, मेरे ख्याल में ये बुक में 5 ही था, मैंने इसको गलत 2 समझा था। यहाँ पे अगर 5 करोगे ना तो आंसर में टर्म देख लो, तो टर्म यही होगी, एक x स्क्वायर की टर्म है ठीक है, और एक x की टर्म है ठीक है, और एक e की पावर 2x, हाँ सही, मतलब अगर आप इसमें कॉमन लोगे ना तो ये सिचुएशन बनेगी, आपको नजर आ रहे ना 2 सब में कॉमन आ रहे हैं नीचे 1/2, आप इसको कॉमन लेना चाहो तो आप क्या करो, एक e की पावर माइनस टू एक्स कॉमन लो और 1/2 कॉमन लो, तो आपका आंसर पता है क्या होगा, पहले टर्म में से बचेगा एक माइनस एक्स स्क्वायर
क्योंकि आपने पॉजिटिव कॉमन लिया, ये माइनस नहीं, ये एरो लगाया है। फिर इससे कॉमन क्या आएगा, या अगर आप माइनस कॉमन ले लो आसानी हो जाएगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इससे भी जब आप ये e की पावर माइनस टू एक्स अपॉन टू कॉमन लोगे तो जस्ट x बचेगा, और इसके साथ क्या बचेगा, जब वन अपॉन ये पूरी चीज आपने कॉमन ली है ना, तो पीछे क्या बचेगा, वन अपॉन टू प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब बुक वालों ने आंसर इसी फॉर्म में लिखा हुआ, माइनस वन अपॉन वहां फाइव है, बिल्कुल सही है, और एक्स स्क्वायर है, बस उनका एक फाइव भी नीचे आ रहा है, फाइव इससे आएगा क्योंकि ये टू अपॉन टू वन होता है, और यहाँ पे टू का स्क्वायर है फोर, हाँ बिल्कुल सही है सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है बच्चों। बस इस सवाल में काम करना यहाँ पे फाइव लगा लेना, क्योंकि मेरी बुक में क्लियर नहीं था क्या लिखा हुआ, तो बुक वाले ने फाइव के साथ सॉल्व किया है, आप फाइव ला के सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है, नाइन में लिखा हुआ है अगेन इंटीग्रेशन में पार्ट का क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स 2x dx, ये आपको सवाल 6.7 में मिल जाएंगे, 6.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ एंड के क्वेश्चन में आपको इनवर्स मिलेगा, टेंजेंट इनवर्स, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है 6.7 का उसके स्टार्ट में कुछ साइन इनवर्स शायद आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स दे दिया। मेथड वही होता था, आप क्या करते थे, इसमें आप यू लेते थे कॉट इनवर्स को, और एक अपनी तरफ से फंक्शन डालते थे 1, उसको आप वी ले थे, और अब इस पे अप्लाई करो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो क्या होगा, सबसे पहले यू इंटीग्रल वी डी एक्स, वन का इंटीग्रल एक्स होता है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, कॉट इनवर्स 2x का आप डेरिवेटिव कैसे लोगे, चैप्टर नंबर 4 में बताया था इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस जो एंगल में लिखा हुआ है, स्क्वायर करो 4x स्क्वायर, और फिर इसका ऊपर डेरिवेटिव लो, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो ये हो गया डी यू अपॉन डी एक्स, फिर फॉर्मुला कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इंटीग्रल वी डी एक्स, वी डी एक्स अगेन इसको इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, तो ये पूरा फॉर्मूला जो है वो मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, तो अपनी जगह पे रहेगा। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, ऊपर है 2x और नीचे है 1 प्लस 4x स्क्वायर, सिंपल एल एन वाला फॉर्मूला लगेगा भाई, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 8x, 8 चाहिए आपको ऊपर, सबसे पहले 2 को बाहर निकालो, अपनी तरफ से 8 लगा लो, अब आप सॉल्व कर लो इसको, x cot inverse 2x plus 1 upon 4 ln 1 plus 4x square plus c constant of integration इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये एग्जैक्ट बुक का क्वेश्चन आ गया, 6.7 में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था शायद, हाँ ये आपको देखना 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है, एग्जैक्ट यही है, ln x का होल स्क्वायर, तो जाके देख लेना आप वहां से, मैंने सॉल्व करवाया है यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एल एन एक्स की होल पावर 7 अपॉन एक्स डी एक्स, उसको तो मैं यही सॉल्व करवा देता हूं, बस इसमें आपने एक चेंजिंग करनी है, वो चेंजिंग ये है कि आप इसको इस तरह लिख दो, ये जो एक्स है ना इसको साइड पे लिख दो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और लगाओ इस पर पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, होल पावर लिखी हुई है, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बोलाना चाहिए, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, मौजूद है साथ 1 अपॉन एक्स, इसका मतलब जो बेस है डेरिवेटिव साथ मौजूद है, आप पावर रूल लगाओ, पावर में 1 ऐड करो ऊपर भी नीचे भी प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, और 12 में लिखा हुआ है 5 cos x dx डिवाइडेड बाय 6 प्लस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अगर आप डिनोमिनेटर को देखो ना तो बिल्कुल आपको क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन नजर आ रही है क्वाड्रेटिक नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक तो अल्जेब्रिक एक पॉलीनोमियल टर्म है, ये तो पॉलीनोमियल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक एज अ पावर की फॉर्म में मैं कह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक है ये, और इस पर आप मिडिल टर्म ब्रेक भी लगा सकते हो, देख लेते हैं मे बी पॉसिबिलिटी हो, तो सबसे पहले आप क्या करो कि माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो पॉजिटिव ही होती है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस सिक्स, प्रोसेस वही है, इसका कोफिशिएंट 1। अच्छा अब स्टूडेंट घबरा जाते हैं यहां पे, उनको एक्स स्क्वायर की फॉर्म में इक्वेशन सॉल्व, मैं अगर लिख दूं ना ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, मेरे ख्याल में मैट्रिक का बच्चा भी इसको सॉल्व कर लेगा 2 मिनट के अंदर,
ये दूंगा तो ये इंटर का बच्चा भी फंस जाएगा क्या इसको कैसे सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट हासिल नहीं किया हुआ, हमने पर जो चीज देखी भी है ना हम उससे फेमिलियर है कि यार ये चीज इस तरीके से होती है, हालांकि कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। भाई अगर मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, अब मैं यहां पे एक्स लिख दू, मैं यहां पे किसी बंदे की शक्ल बना दू, मैटर नहीं कर रहा भाई, मैटर ये कर रहा है कि स्क्वायर है तो आप वो टेक्निक लगा सकते हो मिडल टर्म ब्रेक की, तो लगा के देख लेते हैं। कोएफिशिएंट 1 है, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करो -6 आएगा, -6 के दो फैक्टर आप बनाओगे 3 और -2, नहीं -3 और 2, क्योंकि -3 और 2 का प्रोडक्ट -6 और -3 और 2 को ऐड करोगे -1 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 cos x dx और नीचे हो जाएगा -sin स्क्वायर x -3 sin x +2 sin x -6। इसके बाद की वर्किंग जो है वो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूं। आप क्या करोगे, सबसे पहले साइन कॉमन लोगे, साइन कॉमन आ गया तो पहले टर्म से बचेगा साइन, दूसरे टर्म से बचेगा -3, इन दोनों में आप कॉमन लोगे 2, अगेन साइन और -3 ये आएगा। अब नेक्स्ट टर्म में आप क्या करोगे, फैक्टर्स लिखोगे, एक फैक्टर बनेगा साइन एक्स -3, एक बनेगा साइन एक्स +2, ठीक है, साइन एक्स -3 और साइन एक्स +2। साइन एक्स -3 और दूसरा बना साइन एक्स +2, ये कर लिया। अब देखो ये माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई भी कर दो आप किसी को, अब किस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपकी मर्जी है। आप फॉर एग्जांपल अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, किसी भी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस साइन एक्स, साइन एक्स -3 था अभी 3 माइनस साइन एक्स हो गया। और बिल्कुल इसी पैटर्न पे इसको भी लिख दो, ये साइन एक्स +2 है ना, इसको आप इस तरह भी तो लिख सकते हो ना, 2 प्लस साइन एक्स, बस आपस में थोड़ा रिलेशन बनाने के लिए। तो ये हो गया 3 माइनस साइन एक्स, ये हो गया 2 प्लस साइन एक्स, ये मैंने जानबूझ के यहां पे सिचुएशन में लाया हूं। अब क्योंकि आमतौर पर टीचर शुरू में यूलेट करवा सकते हैं तब भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने वैसे मिडिल टर्म ब्रेक करवा दिया, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। अब जब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आप सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। यकीन मानो ये सवाल 6.9 के अंदर भी है, मैं बता दूं कहां पे सवाल है। मसला है कि ये उन्होंने पहले सॉल्व करके दे देते, आपने किया सॉल्व इसके अंदर, ये है 6.9 का क्वेश्चन नंबर 6। एग्जैक्ट देखो, बस फर्क ये कि ऊपर साइन नीचे कॉस है, इधर नीचे साइन ऊपर कॉस है, बाकी एग्जैक्ट बिल्कुल वही है। इसी तरह नीचे दो फैक्टर है, तो हमने सवालों कैसे किया, हमने सवाल किया था यू लेट करके, आप यहां पे यू लेट कर लो साइन एक्स को, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx बराबर हो जाएगा किसके, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, इस dx को उठा के इधर ले आओ तो du बराबर हो जाएगा cos dx के। तो इस सवाल को आप इस तरह लिख सकते हो, 5 को बाहर निकालते हैं, cos x dx बराबर होता है du के, 3 माइनस साइन, साइन तो आपने u लिए तो ये हो जाएगा 3 माइनस यू, ये हो जाएगा 2 प्लस यू। इसके आगे की वर्किंग वही है जो आपने सवाल में की थी, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैं नहीं करवा रहा। यहां पे आप लगाओगे पार्शियल फ्रैक्शन, केस नंबर 1 लगेगा क्योंकि दो लीनियर फैक्टर हैं, तो ये हो जाएगा a अपॉन 3 माइनस यू प्लस b अपॉन 2 प्लस यू। सॉल्व करना बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के पैटर्न पे आपने सवाल को सॉल्व करना है, एंड पे जो भी आंसर है u की फॉर्म में आएगा, u की जगह आप क्या लिख देना, साइन लिख देना, दैट्स इट, आपका सवाल जो आंसर है वो आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में लिखा हुआ है इंटीग्रल 3 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 टेंजेंट स्क्वायर dx। देखने में तो बहुत ही खतरनाक सवाल लग रहा है भैया, देख लेते हैं क्या करना है इसके अंदर। ऊपर आप एक काम कर सकते हो, अगर आप ऊपर 3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, और आपको पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर के बराबर, तो ऊपर तो आपके पास आ जाएगा sec स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में क्या है, अच्छा जी डिनोमिनेटर में अब आपने 1 प्लस 9 टेंजेंट स्क्वायर को सॉल्व करना है, अगर मैं 3 टेंजेंट कर दूं तो 3 हाँ आ जाएगा बिल्कुल। आप नीचे वाले को इस तरह लिख दो 1 प्लस 3 टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख दो, 9 टेंजेंट स्क्वायर में तो आप लिख दो 3 टेंजेंट का स्क्वायर, एक ही बात है। और इसमें और टेंजेंट वर्सेस वाला फॉर्मूला लगा दो जो मैंने थोड़ी देर पहले भी लगाया था, कि क्या फॉर्मूला था कि अगर नीचे ए स्क्वायर हो उसके साथ एक फंक्शन का स्क्वायर हो, उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो, तो आप वो टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाते हो, तो आप लगा दो
ये फंक्शन है थ्री टेंजेंट x, थ्री टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा, थ्री को साइड पे करो, टेंजेंट का डेरिवेटिव sec स्क्वायर जो कि ऊपर मौजूद है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए, ए यहाँ पे वन है, लिखो ना लिखो बात एक है, टेंजेंट इनवर्स फंक्शन, फंक्शन क्या है यहाँ पे, थ्री टेंजेंट x डिवाइडेड बाय a, अगेन a वन है, प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखो ना तो लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन टू कॉस फाइव एक्स अपॉन टू, ये लिखा हुआ है बच्चों। एग्जैक्ट ये सवाल आपको 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर को 10 11 12 या तीन क्वेश्चन ऐसे थे, आप लोग जाके देखना 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो बड़ा वाला क्वेश्चन था उसमें ऐसे होता था कि साइन और कॉस एक साथ मौजूद थे और इनके एंगल डिफरेंट होते थे, तो आप इनपे फॉर्मूला लगाते थे साइन अल्फा कॉस बीटा, वो प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला, तो आप इस पे फॉर्मल लगा देना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे करना, फॉर्मल लगाने के बाद दो टर्म आएंगे दोनों को अलग अलग आप इंटीग्रेट कर देना, इस पे फॉर्मल लगाना साइन अल्फा कॉस बीटा का, तो आपके पास जो दोनों टर्म आ रही होंगी वो साइन के फॉर्म में होंगे ना, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, दोनों साइन के फॉर्म में होंगी, इंटीग्रेट करने में आपको कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है, तो आप बिल्कुल उसी पैटर्न पे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है ई की पावर टेंजेंट वाई और इसके साथ नीचे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर वाई, तो इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखो, बहुत ही सवाल है एमसीक्यूज में आता है सवाल, क्या पावर ई की जो पावर है उसका डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर लेते हो, तो ई की पावर है टेंजेंट वाई और टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर वाई, साथ मौजूद है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज लिखो प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 है, 16 में आपके पास इंटीग्रल लिखा हुआ है साइन, ये क्यूब है 5 है, साइन 5 लिखा हुआ आई गेस, साइन 5 ही है ये, साइन 5x कॉस x और dx, देखो यहां पे पावर तो आप नहीं लगा सकते क्योंकि अगर आप इसको फंक्शन मानो तो कॉस का डेरिवेटिव साइन 5 नहीं होता, तो आप एक काम करो, अगर मैं एक साइन इससे अलग कर लूं और बाकी पूरे सवाल को कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो फिर मैं पावर लगा सकता हूं, देखते हैं क्या मैंने बात बोली है कि एक साइन में अलग कर लेता हूं, एक साइन में अलग कर लिया, ठीक है, ये जो पीछे साइन 4 बचा है ये कोई रूल भी होगा, आप लोगों को याद है 6.3 में जो सवाल थे ना साइन और कॉस एक साथ आते थे तो मैंने रूल्स आप लोगों को बताए हुए थे, तो वहां पे शायद इस टाइप का कोई सवाल हो, मैंने उस वक्त ही बोला था भाई मुझे रूल याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सवाल को देख के एडजस्ट कर लेता हूं, जो पहली दफा पढ़ रहे हैं उनको जहन में रखना पड़ता है, तो वहां पर शायद किस टाइप का रूल होगा कि अगर साइन ऑड है और कॉस इवन है, या हाँ इस टाइप का देख लेना कि साइन अगर ऑड होगा और अगर कॉस इवन भी है या कॉस ऑड भी है, तो दोनों में सिचुएशन हो सकती है कि आप एक साइन अलग कर लो, जो पीछे साइन स्क्वायर बचे साइन 4 बचे उसको भी कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, जैसे इसमें साइन 4 बचा है ना तो आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर और स्क्वायर, अब आपको पता है साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपको पता है साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये होल स्क्वायर है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर पे जब आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या, अच्छा ये बाय द वे कॉस की पावर 1/2 है, ये इसको आसानी के लिए कॉस पावर 1/2x लिख दो, इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा 1-2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, उसके बाहर मौजूद है कॉस एक्स 1/2, ये x की पावर 1/2 नहीं है, दरमियान में मैं लिख रहा हूं, अगर x के बाद लिखता तो उसका मतलब कि x की पावर है ये, और साइन जो अपने जवाब लिख दो, साइन बड़ा काम आएगा, ये जितने भी कॉस की टर्म है ना उसमें ये डेरिवेटिव होगा तभी आप पावर लगा पाओगे, बार आप इस कॉस को मल्टीप्लाई कर दो तीनों टर्म से और साथ साथ हर टर्म के साथ साइन भी लिख दो, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो हर टर्म से, सिंपल लैंग्वेज में, तो कॉस की टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी एज इट इज ऐसी रहेगी, अच्छा जी माइनस 2 को बाहर निकालते हैं, कॉस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो कॉस की पावर 1/2 से, देखो बेसिस सेम है इसकी भी कॉस इसकी भी कॉस, बेस सेम है, पावर्स ऐड करो, 2 में जब आप 1/2 ऐड करोगे 2+1/2 होता है 5/2, तो ये हो जाएगा कॉस 5/2x और साइन आप जगह पे लिख दो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो इस वाले टर्म से, बेसिस सेम अगेन 4+1/2 होगा 9/2,
तो cos 9 अपॉन 2 और साथ आप लिख दो sin x। अगर सवाल में साइन क्यूब होता ना तो सवाल आपका थोड़ा इजी हो जाता, यहां पे होल स्क्वायर नहीं आता। पता नहीं, मैं आंसर देखूंगा तभी पता चलेगा। मैं देख लेता हूं आंसर, किस कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, बुक में समझ नहीं आता क्या नहीं, इसी के मुताबिक ही है। सही, मैंने उतारा कॉपी, 5 ही है यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने का वक्त आ गया। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, बस इस चीज का ध्यान में रखना। अभी रिसेंटली मुझसे यूट्यूब पे सवाल स्टूडेंट ने पूछा था, उसने इसी को सवाल को सॉल्व किया हुआ था, मतलब ये वाला सवाल नहीं है, इसी कॉस और साइन वाला सवाल था कोई, तो उसमें उसने कॉस के डेरिवेटिव को साइन एज्यूम किया था, माइनस साइन नहीं किया था, दैट्स व्हाई उसके आंसर सारे गलत आ रहे थे। आंसर में जो टर्म्स थी ना उनके साइन गलत आ रहे थे सारे। तो ध्यान में रखना कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो आपको यहां माइनस लगा दो, बाहर भी माइनस लगा दो, इसी तरह अगेन माइनस लगा दो, बाहर भी, ये ऑलरेडी नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, इसी तरह यहां भी माइनस लगा दो और बाहर भी नेगेटिव लगा दो। अब सॉल्व करो, ये हो जाएगा माइनस, पावर रूल क्या कहता है कि फंक्शन में वन ऐड करो, कॉस के अंदर वन अपॉइंट टू में वन ऐड करोगे 3/2 हो जाएगा, सेम नीचे भी 3/2 आ जाएगा। यहां पे आप ऐड करो 5/2 में वन ऐड करोगे तो 7/2 हो जाएगा, नीचे भी 7/2 आ गया। इसके अंदर वन ऐड करो 11/2, नीचे भी 11/2, प्लस दी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बाकी आप देख लेना, ये ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, ये 2/7 हो जाएगा, मतलब 4/7, और ये 2/11 हो जाएगा। तो ये बाकी जो है आप खुद देख लेना कि सिंप्लीफिकेशन किस तरह करनी है। उसके बाद 17 है, में लिखा हुआ है dx डिवाइडेड बाय e की पावर 2x-1। इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ये सवाल जो है ये इसमें डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। ये सवाल मैंने एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए भी करवाया था कि स्टूडेंट को, मतलब ये करवाए हुए मैंने सवाल इस टाइप के। तो इसमें आप क्या करते हो, आप एलन वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो ना, तो एलन वाले फॉर्मूले के लिए नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, मतलब ऊपर भी आपको ई चाहिए और दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए, नीचे वाला जो ई है ऊपर वाला ये दोनों सेम होने चाहिए। तो हल ये कि आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, कि आप ऊपर भी e की पावर -2x मल्टीप्लाई करवाओ और नीचे भी e की पावर -2x मल्टीप्लाई करवाओ दोनों टर्म से। तो होगा क्या, e की पावर -2x मल्टीप्लाई जब होगी e की पावर 2x से, बेसिस सेम है, जब इनकी पावर ऐड होंगी 2x-2x ये हो जाएगा 0, और e की पावर 0 क्या होता है 1, और e की पावर -2x को -1 से करो तो ये हो जाएगा। अब आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालो, 1 का डेरिवेटिव 0, इस माइनस को साइड में करते हैं, e की पावर -2x का डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कॉपी करो, पावर का डेरिवेटिव -2 है, -2 पॉजिटिव, इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ रहा है 2e की पावर -2x, e की पावर -2x ऊपर मौजूद है 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। अब डायरेक्ट आप इसका आंसर लिखो, आंसर क्या होगा, 1/2 ln 1-e की पावर -2x + c। थोड़ी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो क्योंकि आपने थोड़ा डायरेक्ट सवाल किया, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो। तो सिंप्लीफिकेशन ये e की पावर -2x है ना, इसके साथ आपने थोड़ा खेलना है, आप क्या लिख सकते हो, 1/2 ln 1-1/e की पावर 2x, मतलब इस तरह लिख सकते हो ना डिनोमिनेटर लेकर। मैं तो आंसर को ठीक मानूंगा क्योंकि भाई बच्चे ने इंटीग्रेट कर लिया, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि सिंप्लीफाइड नहीं है, क्योंकि अगर दूसरे तरीके से करोगे तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो दैट्स व्हाई इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सॉल्व करो, e की पावर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करो, -1, तो इसको सॉल्व करोगे ये चीज आ रही होगी, e की पावर 2x-1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x। तो अब आप इस पे काम करो, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो कि जब लॉग आप किसी चीज का लो और दो चीज डिवाइड हो रही हो तो क्या होगा, ln न्यूमरेटर -ln डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है e की पावर 2x। और याद रखना मैंने रूल आप लोगों को बताया है कि जब इंटीग्रल में मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म, मेजॉरिटी टर्म जो है अगर वो ln के फॉर्म में, तो बेहतर है आप c को भी ln के फॉर्म में लिखो। तो यहां पे तो आपको इतना फायदा नहीं पता चलता, 6.11 में पता चलेगा, लेकिन 6.11 में भी शायद इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है। या आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जब डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ोगे ना, और उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ोगे, तो वहां पे ये रूल बहुत हेल्प करता है। तो बेहतर होता है कि आप जब मेजॉरिटी टर्म ln है तो कॉन्स्टेंट के साथ भी आप ln लगा दो। और बुक में भी कितने आंसर इसी फॉर्म में आए हैं,
बुक में हमने डिस्कस नहीं किया ये वाली चीज, आंसर में लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 1/2 को मल्टीप्लाई करो। अच्छा इसको ना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये ln e की पावर 2x, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2x माइनस ln, सॉरी लॉग का रूल होता है कि जिस चीज का आप लॉग निकालो उसकी पावर अगर मौजूद है, पावर को पहले ले आओ तो ये पावर पहले आ गई ln e, और आपको पता है ln e क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये पूरी चीज 1 हो जाएगी, 2x से मल्टीप्लाई करो 2x ही होगा, और जो अंदर माइनस 2x है ना उसको जब डिवाइड करोगे 2 से तो जस्ट माइनस x बच जाएगा। बुक में ये वाला आंसर नहीं है, जहां तक मैंने सवाल को सॉल्व किया था बुक में ये आंसर नहीं आ रहा था, देख लेता हूं। थोड़ी सी उन्होंने सिंप्लीफिकेशन इसमें कम की हुई थी, उन्होंने किया हुआ ये है कि इस सवाल के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना इसमें उन्होंने एक हरकत की हुई है, वो ये है कि उन्होंने ये वाला काम नहीं किया हुआ, जो मैंने काम किया हुआ ना उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने अलग काम किया हुआ उन्होंने। अच्छा मैं बताता हूँ क्या किया हुआ, मैं बता रहा हूँ बस पेपर में करने की जरूरत नहीं है भाई, पेपर में जो करना है कर लो, बता रहा हूँ उनकी टेक्निक क्या थी। उन्होंने सबसे पहले इसको ऐसी रहने दिया, ये जो 1/2 है इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया ठीक है। फिर आप काम करो कि ये जो पावर है या नीचे भी तोड़ सकते हो या ऊपर भी लेके जा सकते हो, जैसे मैंने रूल बताया था आप ऊपर से नीचे लेकर आए थे, आप नीचे से भी ऊपर लेके जा सकते हो, तो 1/2 को ऊपर पावर बना दो इसकी, एक पावर ऑलरेडी मौजूद है 2x, दूसरी पावर आई है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ln e की पावर x और बाहर माइनस आ गया। एक टर्म ये है 1/2 से मल्टीप्लाई, तो आपने ऑलरेडी करवा दिया था इस टर्म को, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 1। और उन्होंने किया क्या है कि जो ln c है उसको उन्होंने दरमियान में लिख दिया, तो ln c को आप दरमियान में ले आओ, हालांकि स्ट्रेट अवे इसका आंसर x है लेकिन उन्होंने सिंप्लीफिकेशन डिफरेंट अंदाज में किया, ये दोनों लॉग आपस में प्लस हो रहे हैं ना, और इस 1/2 को आप ऊपर ले जाओ यहां पर, तो ये वाला लॉग प्लस हो रहे हैं, तो एक साथ लिखोगे तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे सी, और इस वाली चीज को आप रूट के साथ लिख सकते हो, और ये जो है मतलब इस लिख दिया ये वाला सिचुएशन, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये दो लॉग आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आप एक लॉग लिखो न्यूमिनेटर में, लिखो ये चीज डिनोमिनेटर में लेके जाओ e की पावर x, और e की पावर x को जब आप ऊपर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस x। ये पूरा काम किया मैंने, इतनी लंबी चौड़ी की है, मेरे पता नहीं कोई डिफरेंट टेक्निक लगाई उन्होंने और उससे उनका आंसर ये आएगा, लेकिन जो भी टेक्निक लगाओ ये आंसर नहीं आएगा, सिंप्लीफिकेशन की है उन्होंने और इतना सिंप्लीफाइड किया हुआ सवाल को, पेपर में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीजें तो आपके जहन में भी नहीं आएंगी, अभी तो आंसर है उसके मुताबिक आपने देख लिया, वरना आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 में स्ट्रेट अवे आपके पास बस एक ही टर्म है और वो लिखी हुई है 1 sin θ d θ। अच्छा इसी टाइप का सवाल जो है ये आप लोगों को नजर आया था किसके अंदर, ये 6.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 यानी पार्ट 13-14 कुछ इस टाइप का है, ये क्वेश्चन नंबर 1 sin है ना, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना वो आपको इस टाइप का मिलेगा, वहां पे 1 sin 16 की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में था 1 sin 2x और यहाँ पे है 1 sin 2x, ये चीज लिखी हुई है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जो वो अभी तो मेथड एक डिफरेंट मेरे जहन में आ रहा था, लेकिन अभी जो एकदम से मेरे जहन में आया मैं उससे जरा करवाता हूँ, देखता हूँ आंसर आता है नहीं, भाई कोई भी मेथड कर सकते हो, पेपर में कितनी दफा ऐसे होता है, इवन अभी भी होता है कोई आपने सवाल देखा आपने मेथड लगाया नहीं लग रहा, काट दो दूसरा कर लो, ये थोड़ा ना कि आप मेथड आप ट्राई नहीं कर सकते, जो जहन में आई चीज कर लो, ज्यादा गलत हो गया और क्या होगा, ये थोड़ा ना पेपर जल जाएगा आपका, एक लकीर लगाना दैट्स इट, पेंटिंग नहीं करने लगाना। अच्छा तो मेरे जहन में जो हमने पढ़ा था ना पार्ट नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 5 6.3, उसे मैंने क्या बताया था कि आप साइन को इस फॉर्म में लिख सकते हो, साइन थीटा जो है ये बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये साइन थीटा होता है, आप सॉल्व करो कॉस 90 माइनस थीटा, ये टेक्निक भी होती है मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री में बताई है मैंने चैप्टर नंबर 10 के अंदर कि 90 पे फंक्शन चेंज होता है, ठीक है, तो कॉस है तो वो साइन की फॉर्म में आ जाएगा,
90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई यहां पे पॉजिटिव आ गया। तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के, तो अब ये चीज कर दो यहां पे। अब जाहिर सी बात है हम इधर रेडियन के अंदर डील करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स थीटा है ना, थीटा लिखना। उसके बाद इस पे वाला फॉर्मूला लगाओ, हाफ एंगल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कॉस वाला, कि कॉस एक्स अपॉन टू बराबर होता है स्क्वायर रूट वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। तो ये वन प्लस कॉस ही मौजूद है ना, बस करना क्या है भाई, जो यहां पे एंगल होता था ना उसका हाफ इधर मौजूद होता था, टू से डिवाइड कर दिया करते थे। तो यहां पे अगर पाई बाय टू माइनस थीटा है तो यहां पे आप डिवाइड कर देना जो भी है। तो मैं इसी सवाल को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये बराबर हो जाएगा कॉस, मतलब यहां पे एंगल क्या है वन प्लस कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस एक्स को डिवाइड करो टू से, पाई बाय टू माइनस एक्स को जब आप टू से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस एक्स अपॉन टू, एलसीएम ब्रेक करे करोगे तो इसका एंगल हो जाएगा कॉस पाई बाय फोर माइनस एक्स अपॉन टू। ठीक है, ये सिचुएशन है, बिल्कुल आपने हाफ एंगल फॉर्मूला इस पर अप्लाई किया। आपको जस्ट न्यूमरेटर की वैल्यू चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर रूट टू है ना, तो रूट टू उधर ले जाओ। तो ये जो पूरा न्यूमरेटर है जो यहां पे लिखा हुआ था एग्जैक्ट यहां पे चीज मौजूद है, तो आप इसको चेंज कर दो, आप लिख सकते हो रूट टू को बाहर निकाल दो, तो आप लिख सकते हो कॉस पाई बाय फोर माइनस थीटा अपॉन टू, यहां पे डी थीटा आ गया। अब ये करने के बाद आपका सवाल काफी इजी हो गया, आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। बस शर्त क्या है, यहां पे आपने देखा है कॉस, कॉस का एंगल क्या, पाई बाय फोर माइनस थीटा अपॉन टू, पाई बाय फोर का डेरिवेटिव जीरो, माइनस थीटा अपॉन टू को जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो इसका आंसर होगा माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू साथ मौजूद नहीं है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में माइनस वन अपॉन टू अंदर लिखो, और माइनस वन अपॉन टू है तो बाहर माइनस टू लगा दो आप, तो ये हो जाएगा बाहर माइनस टू। ये समझ लो, इसको इस तरह भी आप समझ सकते हो ना कि माइनस टू से मल्टीप्लाई और माइनस टू से आप डिवाइड कर दो, इस तरह भी आप कह सकते हो। तो जो एंगल है उसका डेरिवेटिव कंप्लीट है, आंसर क्या होगा, माइनस टू रूट टू कॉस का इंटीग्रल होता है साइन पाई बाय फोर माइनस थीटा अपॉन टू प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ये चीज लिखी हुई ना आपके पास, आप एक काम करो, ये जो वन प्लस साइन थीटा है इसको, इसका कॉन्जुगेट लो, इसका कॉन्जुगेट होगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन, मतलब वन माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये सब काम आप रूट के अंदर कर लो बेहतर है, मतलब कंफ्यूजन होगी। ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर जो के बराबर होता है कॉस स्क्वायर के। तो बच्चों ऊपर आ जाएगा रूट के अंदर कॉस स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा वन माइनस साइन थीटा। ऊपर अगर न्यूमरेटर से आप रूट हटाना चाहो तो कॉस स्क्वायर का रूट क्या होता है कॉस, और डिनोमिनेटर पे रूट लगा दो। ये सिचुएशन बनने के बाद आप जस्ट पावर रूल लगा सकते हो, कैसे, इसको ऊपर लेकर आओ, वन माइनस साइन थीटा की नीचे पावर वन अपॉइंट टू थी, ऊपर पावर माइनस वन अपॉइंट टू है, साथ मौजूद है कॉस थीटा। अब सॉल्व कर लो आप सिंपल इसको, किस तरीके से सॉल्व करोगे, बेस का डेरिवेटिव आ रहा है माइनस कॉस, मतलब माइनस को साइड पे रखो, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो जो बेस है उसका डेरिवेटिव माइनस कॉस है, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, दैट्स इट, सॉल्व करो आंसर होगा माइनस, पावर रूल लगाओ, वन एड करो वन अपॉइंट टू, नीचे भी वन अपॉइंट टू प्लस, बुक में ही आंसर लिखा है, वन अपॉइंट टू पर जाके माइनस टू हो जाएगा स्क्वायर रूट वन माइनस साइन थीटा प्लस सी। इस तरह भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, दोनों तरीके यहां पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 है 36 एक्स की पावर 5 ई की पावर 2x क्यूब dx। अब बच्चों यहां पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, डेफिनेटली फॉर श्योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा यहां पे, लेकिन आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए माहौल थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर v आप लोगे e की टर्म को तो आप इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि पावर का डेरिवेटिव नहीं होगा, तो आप इसको थोड़ा अरेंज कर लो। ये सवाल आपको मिल जाएगा, सवाल आपको कहां मिलेगा, ये सवाल मिलेगा 6.7 क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ एंड के पार्ट में, ये काम हमने किया था, बिल्कुल वही काम चल रहा है। 36 को बाहर नहीं निकालते, 36 की जरूरत है, 36 को अंदर तोड़ना पड़ेगा 36 को। सबसे पहले आप एक काम करो, e की टर्म को लिखो, इसकी पावर क्या है 2x क्यूब, पावर का डेरिवेटिव क्या है यहां पे 6x स्क्वायर, तो एक तो आपको x स्क्वायर चाहिए, एक आपको 6 चाहिए,
अब आप क्या करो, ये जो x5 था इससे आपने x स्क्वायर निकाल लिया तो ये x क्यूब हो गया सबसे पहले। फिर आपने 36 में से 6 निकालना है, भाई 36 में से जब 6 निकालोगे तो यहां पे क्या बचेगा, 6 बच जाएगा क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है 36 होता है, ठीक है। अब आप क्या करो, क्या ये सवाल इजी हो सकता है, आप एक काम करो, आप यहां पे जो 6 है इसको तोड़ दो, 6 को किस तरह तोड़ो, 6 को तोड़ सकते हो 3 मल्टीप्लाई 2, 2 अंदर रखो 3 को बाहर निकाल दो। अब मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि जब मैं इस सवाल में फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन मैंने कर ली, अब मैं लेट कर रहा हूं यहां पे u, आप u लेट कर लो 2x क्यूब को, डेरिवेटिव क्या होगा 6x स्क्वायर dx। तो अब देखो आपका सवाल कितना इजी हो जाएगा, 3 ये पूरी चीज u है, अच्छा e की पावर में भी u लगा दो और ये पूरी चीज किसके बराबर आई है du के, ये देखो सवाल कितना इजी है यहां पे, बहुत बच्चों वाला सवाल बन गया इस वाले सिचुएशन। अब यहां पे आप इंटीग्रेशन में पार्ट लगा दो, क्योंकि एक अल्जेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इंटीग्रेशन में पार्ट लगाओ। यहां पे कंफ्यूजिंग होगी क्योंकि आप जब इंटीग्रेशन में पार्ट में यू भी लेट करोगे, ऑलरेडी पहले जी यू है यहां पे, तो यू को यू लेट करोगे कंफ्यूजन होगी काफी, तो या तो आप वेरिएबल थोड़ा चेंज कर देना कंफ्यूजन से बचने के लिए, आप यहां पे यू की जगह फॉर एग्जाम्पल जेड ले लेना, यहां पे आसानी हो जाए। मैं तो देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन में पार्ट का फॉर्मा लगा रहा हूं, मुझे तो मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं यहां पे ऊपर वेरिएबल चेंज कर लेना, जेड ले लेना, ताकि जब यू वी वाला फॉर्मुला लगाओ तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। बाहर यू वी वाला फॉर्मुला लगाओगे इसके ऊपर, फॉर्मुला क्या कहता है, फॉर्मुला कहता है भाई के यू जो क्या होगा यहां पे, ये इंटीग्रल बीडीएक्स, इसका जब इंटीग्रल लोगे तो ई की पावर यू आएगा, माइनस इंटीग्रल डी यू अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव लोगे 1 और जब इसको इंटीग्रेट करोगे अभी भी ई की पावर यू आएगा। तो सॉल्व करो, 3 को मल्टीप्लाई करवाओ ये हो जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाओ माइनस 3 और अंदर बचेगा e की पावर u, अगेन e की पावर u का इंटीग्रल e की पावर u प्लस e कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो आपने सवाल में u लेट किया था वो आप पुट कर दो, तो यहां पे u था ये हो जाएगा u की जगह 2x क्यूब e की पावर 2x क्यूब माइनस 3, एक पहले काम कर लो आप 3 कॉमन आ रहे ना, 3 को मल्टीप्लाई ना करवाओ, 3 कॉमन ले लो और e की पावर u कॉमन ले लो, पहले टर्म में से u बचेगा दूसरी टर्म में से 1 बचेगा, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी इजी होगी। अब आप लिख देना 3 e की पावर u है ना, तो u की जगह पुट कर देना 2x क्यूब, फिर u की जगह 2x क्यूब माइनस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी है, ये वही टेंजेंट इनवर्स वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हो, लिखा हुआ है e की पावर 3x dx और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस e की पावर 6x। बस एक काम करो आप यहां पे, वो इस तरह किसको इस तरह लिखो 1 प्लस e की पावर 3x का स्क्वायर, e की पावर 3x का जब स्क्वायर करोगे तो e की पावर 6x ही होगा, तो e की पावर 6x को लिखने का एक तरीका ये है, आप बिल्कुल टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, कैसे, कांस्टेंट का स्क्वायर है एक फंक्शन का स्क्वायर है और जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मौजूद है, e की पावर 3x का डेरिवेटिव होता है 3e की पावर 3x, e की पावर 3x मौजूद है 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, तो आप टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाओ, ए यहां पे 1 है लिखो ना लिखो बात एक, टेंजेंट इनवर्स फंक्शन फंक्शन है e की पावर 3x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद 21 है, 21 में लिखा हुआ है रूट sec y टेंजेंट y और dy। अब आपने इसको सॉल्व करना है, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, देखो यहां पे एक ही जहन में आ रही है कि मैं sec को u ले लेता हूं, एक ही आ रहा और तो कुछ जहन में नहीं आ रहा, तो आप लेट कर लो यहां पे कि u जो है वो sec y है, डेरिवेटिव लोगे sec का डेरिवेटिव होता है sec और टेंजेंट और नीचे वाला dy में बदल जाता हूं, टेंजेंट dy अपनी जगह पे रहने तो sec y को उधर ले आओ, क्योंकि टेंजेंट y dy ऊपर मौजूद है ना, sec y को नीचे ले जाओ और sec y नीचे आ जाएगा और sec y सवाल में किसके बराबर था, u के बराबर था, तो उसकी जगह आप u लिख सकते हो, तो सिंपल सी बात है टेंजेंट y dy हो गया du अपॉन u। हाँ, तो इसको आप फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि sec u के बराबर लिया था ये हो जाएगा रूट u टेंजेंट y dy, इसकी वैल्यू आपने निकाली है du अपॉन u, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया यार, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो इसको,
याद रखना जब भी रूट यू डिवाइडेड बाई यू होगा तो आप सॉल्व करो, रैशनलाइज करो इसको, ऊपर बचेगा यू, नीचे होगा यू रूट यू, यू से यू कैंसिल, वन अपॉन रूट यू आंसर आ जाएगा। वन अपॉन रूट यू इस तरह इंटीग्रेट करोगे मैं पावर रूल लगा देना, रूट यू ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर माइनस वन हो जाएगी, हो जाएगा यू की पावर माइनस वन अपॉन टू। आप डायरेक्ट यू को ऊपर ले जाते हैं, बेसिस सेम करके करते हैं तभी भी यही आंसर आता। तो पावर रूल लगाओ, पावर में वन ऐड करो, वन अपॉन टू, नीचे भी वन अपॉन टू प्लस सी, ये वन अपॉन टू ऊपर जाके टू अपॉन वन हो जाएगा, और यू की जगह आपने लिख देना सेक, तो ये हो जाएगा सेक, और वन अपॉन टू की जगह रूट लगा दिया ना मैंने, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है 22 पे आ जाओ। 22 जो है बच्चों अगेन ये सवाल जो है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का सवाल है, लिखा हुआ थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब यू आप किसको लोगे, डेफिनेटली आप यू लोगे, किसको लेंगे, थीटा को लेंगे, खत्म हो जाएगा ना ये तो सानी हो जाएगी, हाँ क्योंकि अल्जेब्रिक जो खत्म हो जाता है ना उसको इंटीग्रेशन में पार्ट में थोड़ा मजा आता है, उसको आप यू ले लो, उसको वी ले लो। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या कहता है, यू इंटीग्रल वी डी एक्स, ये जो वी है उसको इंटीग्रेट करना है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट, माइनस इंटीग्रल डी यू अपॉन डी एक्स, इसका इंटीग्रेट करो वन आएगा, इंटीग्रल वी डी एक्स, अगेन इंटीग्रल वी डी एक्स टेंजेंट थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का इंटीग्रल होता है एल एन सेक थीटा, ये आपका आंसर है। 23 है, 23 में लिखा हुआ है ये सवाल, मैंने बोर्ड एग्जाम में भी देखा था, टेंजेंट एक्स एल एन कॉस एक्स डी एक्स, बहुत छोटा सवाल है, किस तरीके से आप सॉल्व करो, थोड़ी सी आपको रफ वर्क पे देखना पड़ेगा कि जो एल एन कॉस एक्स एक्स का डेरिवेटिव, और चाहो तो ये रफ वर्क सामने कर लो ताकि अच्छी चीज होती है कि आमतौर पर टीचर ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट ने रफ वर्क किया है नहीं किया, अब स्टेप्स कुछ मिस हुए हैं, रफ वर्क हुआ हुआ नहीं है तो फिर शक हो जाता है ना, अरे कहां से आया है सवाल, होता है ना जान के देखना दिया, तो बेहतर है रफर सामने किया करो, कॉलम बना के छोटे लिख दो, एल एन कॉस है ये, एल एन कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है इसको जरा लेते हैं, एल एन कॉस का डेरिवेटिव होता है मतलब एल एन के बाद जो भी चीज लिखी हुई डिनोमिनेटर में लेके जाओ, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है, तो ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेंजेंट साथ माइनस लिखा हुआ माइनस टेंजेंट, उसका मतलब ये कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ रहा है माइनस टेंजेंट, और ऊपर मौजूद है टेंजेंट, माइनस की कमी है बस, तो माइनस लगा दो ऊपर, एक बाहर माइनस लगा दो एक अंदर माइनस लगा दो, अब जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, आप फॉर्मूला लगाओ, माइनस ये वाला आ गया अपनी जगह पे, फॉर्मूला कहता था एल एन, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको लिख दो प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये एल एन वाला फॉर्मूला था जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद है तो बस आगे सॉल्व करते हो, एल एन लिखते हो, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो लिखते हो, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है यार अगेन ये बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर 14 में अभी देखा था, इसमें बस आप लगाओगे साइन अल्फा साइन बीटा, जो बिल्कुल आखिरी वाला फॉर्मूला है ना प्रोडक्ट टू सम वाला जिसके अंदर माइनस भी आ रहा होता है, ये बराबर होता है कॉस माइनस वन अपॉन टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, यस हाँ यही होता है। तो अगेन यार वही काम है जो मैंने आपको 14 में बताया था कि आप इस पर फॉर्मूला लगाओगे, दो टर्म आएंगे कॉस की फॉर्म में होंगे, अलग अलग आप इंटीग्रेट करोगे आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर आई गेस 10 11 12 इस टाइप के पार्ट है 6.3 के, तो वहां पे जाके आप देखना सॉल्यूशन मैंने प्रॉपर करवाया है। उसके बाद 25 है, 25 में लिखा हुआ है 125x4 ln x का होल स्क्वायर डी है, घबराना नहीं है आपने, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपके पीएम भी कह रहे हैं घबराना नहीं है, फिर क्यों घबरा रहे हो आप लोग, वैल्यूज डिफरेंट है, खतरनाक है, लेकिन हो जाएगा आसान से, कोई इश्यू नहीं है। आप क्या करो 1 to 5, मुझे नहीं लगता 1 to 5 का काम है, 1 to 5 का काम नहीं होगा ना, 1 to 5 में वैसे तो बहुत काम आता है, मैं नंबर की बात कर रहा हूं, तो x4 ln x2 क्या करो भाई, लॉगरिथमिक फंक्शन जब भी लिखा होगा वो यू होगा, तो ये यू है इसको वी ले लो, इंटीग्रेशन में पार्ट लगा दो भाई, इंटीग्रेशन में पार्ट क्या थी, यू इंटीग्रल वी डी एक्स, एक्स फोर का इंटीग्रल होगा एक्स फाइव अपॉन फाइव माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे डिफरेंशिएट करोगे तो टू एल एन एक्स आएगा
और फिर वन अपॉन एक्स होगा। पावर रूल लगाया आपने और फिर बेस का डेरिवेटिव लिया, तो मसला नहीं है। जैसे पावर रूल, एक्सटेंडेड पावर रूल जो है ना, कि पावर को पहले ले आओ, वन कम करो, फिर जो बेस है उसका डेरिवेटिव लो, और फिर है इसके साथ इंटीग्रल vdx। इंटीग्रल vdx क्या है? x 5 अपॉन 5। ये 125 को अभी ना लिखो यार, आप पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो, एंड पे 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा तो यहां पे क्या है, x 5 ln x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ये क्या होगा, कैंसिल करो, ये हो जाएगा x 4। इस माइनस 2 अपॉन 5 को बाहर निकालो, अंदर मौजूद है ln x और x 4 dx। एक और दफा आपको इंटीग्रेशन में बाढ़ लगानी है यहां पे, ये तो अपने जगह पे मौजूद है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन में पार्ट लगा रहा हूं, आप लोगों ने प्रॉपर स्टेप के साथ करने जो मैंने बताया है। अगेन आप क्या करो, इसको v ले लो, सॉरी इसको u ले लो और इसको v ले लो। तो u इंटीग्रल vdx माइनस इंटीग्रल du अपॉन dx, इसको इंटीग्रेट करो 1 अपॉन x आएगा, सॉरी इसको डिफरेंशिएट करो 1 अपॉन x आएगा, और अगेन इसको इंटीग्रेट करो x 5 अपॉन 5 आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x 5 ln x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, माइनस 2 अपॉन 5 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 अपॉन 25 x 5 ln x। अच्छा पहले इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, x को x से कैंसिल करो, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 5 है ना, ये बाहर आ जाएगा, यहां पे माइनस 1 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। x 4 को इंटीग्रेट करो, x 4 को अगेन इंटीग्रल क्या होगा, x 5 अपॉन 5। x 5 अपॉन 5 को जब आप माइनस 1 अपॉन 5 से करोगे तो x माइनस x 5 अपॉन 25, माइनस एक्स फाइव अपॉन 25 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 एक्स फाइव माइनस माइनस पॉजिटिव, 25 को 5 से करो 125। जिस स्टूडेंट को ये कैलकुलेशन नहीं समझ आई तो नॉर्मली कर लेना भाई, इतनी मुश्किल नहीं है। मैं खड़ा रहा हूं पिछले 2 घंटे से, हिल हिल रहा हूं, टांगों में दर्द हो रहा है बार-बार। तो अब एक काम रह गया था कि आपने 125 से मल्टीप्लाई करना था सवाल के अंदर, तो आप मल्टीप्लाई कर दो हर टर्म को। 125 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 25। 125 डिवाइडेड बाय 25 क्या होता है, 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10। 125 डिवाइडेड बाय 125 1 होता है, तो फाइनल आंसर आपका ये आ जाए, ठीक है। उसके बाद 26 है। अब 26 अगेन एक पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, बता देता हूं मैं। 24 dx और नीचे लिखा हुआ है x, अच्छा फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला लगाओ, x प्लस 1 x माइनस 1। फिर लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4, अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, x प्लस 2 x माइनस 2। तो ये बेसिकली आपके पास केस 1 ही है पार्शियल फ्रैक्शन का, लेकिन 5 लीनियर फैक्टर है। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, फ्रैक्शन है भाई 24 अपॉन x, x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2। तो आप लिखोगे a अपॉन x प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस डी अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस ई अपॉन एक्स माइनस 2। ऑब्वियसली पेपर में नहीं आएगा इतना बड़ा सवाल, लेकिन मेथड इसका पैरेलल है। उसके बाद आप इस पूरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 24 बच जाएगा। इस पूरे डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड की हर टर्म से मल्टीप्लाई करो। अब कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, क्या होगा जब ए अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, बाकी चारों फैक्टर इसके साथ आ जाएंगे, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूं, x प्लस 1 ये मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 2। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो ना, चारों फैक्टर लिखने से बेहतर है इस तरह लिखो। फिर जब दूसरी टर्म से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होगा, एक तो b के साथ आ जाएगा x, दूसरा x माइनस 1, और इन दोनों को एक साथ लिख दो x स्क्वायर माइनस 4। फिर c के साथ आ जाएगा, जब करोगे तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, c के साथ एक आएगी x की टर्म, एक आएगी x प्लस 1 की टर्म, और इनको एक साथ लिख दो x स्क्वायर माइनस 4। फिर d के साथ जब x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा x x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 2, क्योंकि प्लस 2 वाली टर्म कैंसिल हो चुकी होगी। जरा देखो लेवल इस क्वेश्चन में। फिर आप e के साथ क्या लिखोगे, x माइनस 2 कैंसिल होगा तो e के साथ x आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2 तो कैंसिल हो गया। कितने लंबे कैलकुलेशन है, तो मुश्किल नहीं, लेंथी है, मुश्किल नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है भाई, वही कंपेयर करने पड़ेंगे कोफिशिएंट,
तभी आपके पास इतने अननोन की वैल्यू आएगी, वैसे नहीं आएगी। वो वाला मेथड इस पे अप्लाई हो नहीं पाएगा ना, शायद हो जाए। हाँ, ए की तो वैल्यू निकाल सकते हो आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो। जब आप एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे ना, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो और जब इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करो, ये माइनस वन माइनस फोर, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस फोर फोर होगा, फोर को 24 से डिवाइड करो। ए की वैल्यू तो बच्चों आ रही है डायरेक्ट 6, ये तो आ जाएगा। क्या बी भी आ सकता है? नहीं, बी के अंदर ऐसा कौन सा नहीं है, बी के अंदर एक्स प्लस वन नहीं है। तो आप क्या करना, इसमें मेथड कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ रही, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो जो मेथड आप लोगों को बताया हुआ मैंने। इसके अंदर एक्स प्लस वन नहीं है, बाकी सबके अंदर एक्स प्लस वन है, नजर नहीं आ रहा होगा। इसके अंदर मैंने कंबाइन करके लिखा हुआ है, इसके अंदर कंबाइन करके लिखा हुआ है, लेकिन सबके अंदर x प्लस वन है, b के अंदर नहीं है। तो आप x प्लस वन को जब जीरो के बराबर रखोगे, x की वैल्यू माइनस वन आ रही है, आप माइनस वन पूरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। यहां पे माइनस वन पुट करोगे जीरो हो जाएगा, माइनस वन पुट करोगे जीरो, माइनस वन पुट करोगे जीरो, माइनस वन पुट करोगे जीरो, सिर्फ b वाली टर्म बच जाएगी। तो एक तरफ बचेगा 24, दूसरी तरफ आप माइनस वन पुट करो, माइनस वन ही हो जाएगा माइनस टू, और इस माइनस टू को इस माइनस वन से करोगे पॉजिटिव टू, तो इन दोनों का आंसर टू आ रहा है। यहां पे माइनस वन पुट करो, माइनस वन माइनस फोर माइनस थ्री, माइनस थ्री को जब टू से मल्टीप्लाई करोगे माइनस सिक्स, डिवाइड करो, बी की वैल्यू माइनस फोर आ रही है। सेम काम यार बाकी के साथ भी करना, मेरा टाइम लग रहा है, मैं बता देता हूं बाकी के साथ किसको जीरो रखना होगा। इसमें अगर आप देखो एक्स माइनस वन नहीं है, तो एक्स माइनस वन को जीरो रखना, एक्स की वैल्यू वन आएगी। पूरी इक्वेशन में वन पुट करना, सब जीरो हो जाएंगे, डायरेक्ट सी की वैल्यू आ जाएगी वन, वन प्लस वन टू, टू माइनस वन, इसमें माइनस सिक्स ही आ रही है, टू और माइनस माइनस सिक्स है, तो मैं हमें इसका आंसर भी माइनस फोर आ रहा है सी का भी, देख लेना। फिर डी के लिए आप क्या करोगे, एक्स प्लस टू को जीरो रखोगे और पूरे इक्वेशन में एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट कर दोगे, और इसमें इसके लिए आप पूरी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू टू पुट कर देना। तो जब ए बी सी आ जाए सब यहां पर पुट कर देना, जैसे जब आ जाएंगे ना तो सबकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है बच्चों वाली है, क्योंकि सब पे एल एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर कुछ भी हो कांस्टेंट को बाहर निकाल देना, फॉर एग्जांपल ए को बाहर निकालना, ए को आपने बाहर निकाल दिया, वन अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन एल एन एक्स, फिर बी को बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा एल एन वन प्लस एक्स, फिर सी को बाहर निकालना एल एन एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये सब इस तरह अप्लाई करना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेंथी है लेकिन आप आसानी से कर सकते हो, कोई मुश्किल वर्किंग नहीं है। उसके बाद 27 में लिखा हुआ है कॉस एल एन एक्स, ये सवाल आपको नजर आ जाएगा थोड़ी मुश्किल फॉर्म में, ये सवाल 6.7 क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पॉइंट है, सेकंड ईयर मुझे रटी हुई है बच्चों। हाँ, कुछ पार्ट नंबर 6 देखो क्वेश्चन नंबर 4 का। हाँ, तो कॉस बी एल एन एक्स ए है, थोड़ा डिफ मुश्किल फॉर्म में, यहां पे थोड़ा इजी फॉर्म में लिखा है। अगेन ए की फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कैसे करोगे, मुश्किल हो जाएगा। कोई और तरीका है इसका, इंटीग्रेशन में पार्ट से ही करेंगे इसको, लेकिन इंटीग्रेशन में पार्ट से करने से पहले इसको यू आपने लेट करना होगा, इंटीग्रेशन में पार्ट डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे। अगर आप इसको यू लेना चाहोगे तो यू लेके करना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा। चलो ये नया तरीका है, करते देख लेते हैं। अगर आप इसको यू ले लो और वन को वी ले लो, तो ये हो जाएगा कॉस एल एन एक्स वी डी एक्स, वी डी एक्स होगा एक्स के बराबर, माइनस डी ओ अपॉन डी एक्स। कॉस का नहीं, कॉस को आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते क्योंकि एंगल कर सकते हो यार, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एल एन एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन एक्स, और इंटीग्रल वी डी एक्स एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल कर दोगे, फिर साइन एक्स आ जाएगा। अगेन साइन एल एन एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करने लगो, इंटीग्रेट करने लगोगे, दोबारा आपको यू भी लगाना पड़ेगा, और आप जब यू भी लगाओगे तो आंसर डायरेक्ट आ सकता है इसका, इसी तरीका ठीक है। माइनस माइनस पॉजिटिव है ना, तो ये हो जाएगा साइन एल एन एक्स डी एक्स। दोबारा वही काम करो, आप इंटीग्रेशन पे पार्ट लगाओ, यहां पे यू ले लो इसको और वी वन को ले लेना, तो क्या फॉर्मूला होता है, यू इंटीग्रल वी डी एक्स, वन का इंटीग्रल एक्स माइनस इंटीग्रल, इसको डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव होगा कॉस एल एन एक्स, और एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, और अगेन इंटीग्रल वी डी एक्स एक्स था, एक्स से एक्स कैंसिल, तो अब ये हो जाएगा एक्स कॉस एल एन एक्स प्लस एक्स साइन एल एन एक्स माइनस कॉस एल एन एक्स डी एक्स। अगर आपको याद हो सवाल में यही चीज लिखी हुई है कॉस एल एन एक्स डी एक्स, तो ये सवाल आपको नजर आएंगे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में
जो टाइप फाइव मैंने करवाई थी ना उसमें ये होता था कि खत्म नहीं होते थे, तो आप क्या करते थे, आप सवाल को अपनी आसानी के लिए आई लेट कर लो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आई है ना, मतलब इसी इंटीग्रल को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आई है ये वाला इंटीग्रल है, और सेम ये वाला इंटीग्रल राइट हैंड साइड पे भी आएगा, तो राइट हैंड साइड पे भी इस पूरे इंटीग्रल की जगह क्या लिख दो, आई लिख दो। बेसिकली आपको आई निकालना है, मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस आई इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू आई, और ये दोनों टर्म जो है इधर जा जाएंगे। आई की वैल्यू निकालने के लिए आप टू से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा एक्स अपॉन टू कॉस एलन एक्स, एक्स अपॉन टू साइन एलन एक्स, और एन को लगा दो प्लस सी। बुक में आंसर देख ले दो मैं क्या आ रहा है इसका, अच्छा जी बुक में आ रहा है 1/√2x cos ln x माइनस 5/4 cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाया होगा शायद उन्होंने, सॉल्व करते शायद ही हमारा बुक का आंसर सेम ही है, उन्होंने बस वो पता नहीं फॉर्मूले में बंद कर दिए, पता नहीं कौन सी टेक्निक लगाई है इसके ऊपर। दूसरी वाली जो मेथड है ना, दूसरा मेथड भी है इसका, अगर आप इसको ln x को u ले लो, लेकिन वो मेथड भी जब आप करोगे तो आंसर यही आएगा मेरा वाला फॉर्मूला, नहीं ये वाला नहीं आएगा जो बुक वालों का आ रहा है, तो इन्होंने पता नहीं किस तरह, खैर मे भी आंसर को इन्होंने बंद किया किया वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल का आंसर लिखा हुआ 1/√2x cos ln x माइनस 5/4 ये इनका आंसर है, तो सबसे पहले काम करो आप इसमें से x कॉमन ले सकते हो ना, इवन x अपॉन टू कॉमन ले लो आप, तो ये बचेगा, ये चीज बनेगी, ये आपका आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल वही है, जब आप एक्सपेंड करोगे आपको बात समझ आ जाएगी। आप एक काम करो x अपॉन रूट टू को फिलहाल साइड पे कर दो, इस पे फॉर्मूला लगा दो कॉस अल्फा माइनस बीटा का, ये वो वाला फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला क्या होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस 5/4 जो है वो होता है 1/√2 प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन 5/4 भी 1/√2 होता है। तो अब आप क्या करो, ये जो इधर से भी 1/√2 कॉमन आ रहा है, इधर से 1/√2 कॉमन आ रहा है, तो 1/√2 कॉमन निकाल लो, जब 1/√2 कॉमन निकालोगे रूट टू बाहर लिखो, आपको पता है रूट टू क्या होता है, टू के बराबर होता है, तो एग्जैक्ट वही वाला सवाल बन गया, वही आंसर आता है। तो हमने एक फॉर्मूले बंद लिखा, कोई जरूरत नहीं आपको बंद करने की, ये आंसर आपको बिल्कुल ठीक माना जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, और 28 में लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। बच्चों अगर मैं साइन स्क्वायर की जगह लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर, 2 माइनस कॉस स्क्वायर क्या कर सकते हैं, फंस जाएंगे वहां पे, शायद हो जाए लेकिन फंस सकते हैं, तो यू लेके हम ट्राई करते हैं, जहां फंस जाओ यू पे याद कर लो, शायद यू हेल्प कर दे, फॉर क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है ना साइन का, तो दैट्स व्हाई मैं यू की तरफ जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यू ले लूं, तो हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा डी थीटा, तो सवाल अब आपका क्या हो जाएगा, यहां पे साइन यू होता है ना, तो ये हो जाएगा यू का क्यूब कॉस थीटा डी थीटा किसके बराबर है, डी यू के 1 प्लस यू, हाँ सवाल आपका हो सकता है, तो ये हो जाएगा नहीं यू स्क्वायर, यहां पे जब यू पुट करोगे साइन स्क्वायर है ना, तो यू स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसी टाइप का सवाल पहले भी था, एक फ्रैक्शन इस टाइप की आ रही थी, तो अभी इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, इंटीग्रेट करना सॉरी, आप इसको डिवाइड कर लो हो जाएगा, u क्यूब को डिवाइड करते हैं u स्क्वायर प्लस 1 से, आप u से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा u क्यूब, u को 1 से करो u, साइन चेंज करो कैंसिल, ऊपर आप 0 u स्क्वायर डाल सकते हो, या फॉर एग्जांपल 0 u डाल दो, लेकिन यहां पे इतना मैटर नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि अभी रिमाइंडर आ रहा है माइनस यू, इधर जो डिग्री है उससे एक कम आ गई है, दैट्स इट, डिवीजन में आप क्या करते हो, जो इधर डिग्री है उससे एक कम आनी चाहिए, तो वो आ गई है, खत्म करो बात को। तो आप क्या करो यहां पे, इसको लिखोगे किस तरीके से, कोशेंट कोशेंट है यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है माइनस यू, डिवीजर नहीं कोशेंट यू था सॉरी कोशेंट यू था, रिमाइंडर डिवीजर क्या है यू स्क्वायर प्लस 1। हाँ अब आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हो किस तरीके से, पहले अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करो ये, तो बच्चों यू का इंटीग्रल क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन 2, और इसको इनसे इंटीग्रेट करोगे एलन वाला फॉर्मूला लगाओ, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2u आ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये हो जाएगा माइनस 1/2 ln u स्क्वायर प्लस 1 प्लस c आ जाएगा यहां पे,
और अब एक काम करना, यू की जगह साइन थीटा लेते हैं, तो यू जगह साइन स्क्वायर अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू एल एन साइन स्क्वायर प्लस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बुक में जो है मैंने आंसर देखा है, बुक में इसका आंसर डिफरेंट लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि ये वाली टर्म को बाद में लिख दी है, ये वाली टर्म पहले आ गई, मतलब ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और मैंने फिगर आउट किया, मुझे समझ नहीं आया क्यों है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर अगर लिखा हो, साइन स्क्वायर अपॉन टू को, साइन स्क्वायर अपॉन थीटा को, जो भी है, हाँ एक काम कर सकते हो, साइन स्क्वायर बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू, इसमें अगर एलसीएम ब्रेक करोगे वन अपॉन टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू, लेकिन पहली बात वन अपॉन टू तो चलो सी के अंदर मर्ज हो जाएगा, इसके साथ माइनस आएगा लेकिन ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जबकि बुक वालों ने यहां पे साइन स्क्वायर ही लिखा हुआ है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूं, तो मेरे ख्याल में बुक में आंसर गलत है, बुक में साइन स्क्वायर ही लिखा हुआ, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनकी मिस्टेक हुई है। इन्होंने एक और मिस्टेक की हुई थी किसी क्वेश्चन में, देखी थी मैंने, बताई थी क्वेश्चन नंबर 11 में भी एल एन एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ, हालांकि पावर 8 होनी चाहिए थी, तो ये थोड़ी मिस्टेक आपको नजर आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है इंटीग्रल 1 माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट एक्स। तो यार इसमें आप लेट कर लो डिनोमिनेटर को या न्यूमिनेटर को, खैर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू लेट कर लो, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स, डिफरेंशिएट करो, 1 का डेरिवेटिव 0, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अच्छा आपको dx की वैल्यू निकालनी है, dx हो जाएगा 2 रूट एक्स डी यू, रूट एक्स की वैल्यू निकालते हैं, रूट एक्स बराबर हो जाएगा u माइनस 1 के, तो आप यहां पे लिख सकते हो u माइनस 1, ये dx की वैल्यू आ गई। अच्छा जी 1 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई और रूट एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। हाँ सवाल को जरा सॉल्व करते हैं, 1 अपनी जगह पे रहने दो, माइनस रूट एक्स की वैल्यू पुट करो, रूट एक्स आया है u माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे तो ये पूरी चीज यू लेट की थी आपने, और डी यू यहाँ पे क्या है, सॉरी डी एक्स क्या है यहाँ पे, 2u माइनस 1 डी यू, ये सिचुएशन बन गई है। सॉल्व करते हैं जरा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस यू माइनस माइनस पॉजिटिव, ये चीज हो जाएगी, तो ऊपर मौजूद है 2 माइनस यू, नीचे u है और यहाँ पे है 2u माइनस 1 डी यू। सॉल्व करते हैं बच्चे इसको, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो 2u है, 2u को जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 4u, इसी तरह 2 को माइनस 1 से करो माइनस 2, इस माइनस 2 को आप इस 2 से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 4, इसी तरीके से 2u को जब आप माइनस 2 से करोगे तो माइनस 2u स्क्वायर, और 2 को माइनस 1 से करो माइनस 2, माइनस 2 को माइनस 2 से करोगे तो पॉजिटिव 2u, और नीचे आ रहा है u, कुछ सेम है इसमें, हाँ 4u प्लस 2u ये हो जाएगा 6u। अब आप एलसीएम ब्रेक कर दो, 6u अपॉन u ये हो जाएगा 6, फिर माइनस 4 अपॉन u, और माइनस 2u स्क्वायर अपॉन u हो जाएगा माइनस 2u। अब आप इंटीग्रेट कर दो, 6 का इंटीग्रल होगा 6u, माइनस 4 को साइड पे रखो 1 अपॉन u का इंटीग्रल होगा ln u, माइनस 2 को साइड पे रखो u का इंटीग्रल होगा u स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एंड पे जो आपने लेट किया था वो पुट कर दोगे 1 प्लस रूट एक्स माइनस 4 ln 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। आप होल स्क्वायर को एक्सपेंड भी कर सकते हो यहाँ पे चाहो तो, मैं देख रहा हूँ बुक ने, मुझे लग रहा है कोई डिफरेंट ही आंसर लिखा होगा, यहाँ तक बुक वाले अलग ही दुनिया में चल रहे होते हैं, नहीं बुक वाले में मैं सेम लिखा हुआ है, ये लिखा है बस थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन ये है कि मल्टीप्लाई करो उसको 6 प्लस 6 रूट एक्स, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये होगा 1 प्लस रूट एक्स प्लस एक्स, जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ, ये वाली टर्म माइनस, ये वाली टर्म माइनस, और ये वाली टर्म माइनस, तो 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 5, 6 रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स ये हो जाएगा 4 रूट एक्स, और माइनस एक्स अपनी जगह पे, तो 4 रूट एक्स माइनस एक्स 5 के टर्म में से, हाँ ये वाली दो टर्म है, तीसरी टर्म ये वाली है, चौथी टर्म कोई भी नहीं है, ये जो 5 है ना ये कॉन्स्टेंट के अंदर मर्ज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रल में एक ही कांस्टेंट होता है, दो कांस्टेंट नहीं आप लिख सकते, जो भी जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सी से रिप्रेजेंट होते हैं, तो इस 5 को सी में मर्ज कर देना, मतलब 5 को हटा देना यहां से, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है इंटीग्रल टी प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 माइनस 1 डी टी, ये इस टाइप का सवाल है, लेकिन उसको इंटीग्रेट करना था, क्वेश्चन नंबर 4
चैप्टर नंबर 4, 4.2 और क्वेश्चन नंबर 3 था आई गेस, उसमें इस टाइप का सवाल था लेकिन डिफरेंशिएट करना था आपको, यहां पे इंटीग्रेट करना है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं यार, वही चीज सही है यहाँ पे। अगर आप यू करोगे टी को यू करोगे नहीं वो नहीं हो पाएगा, फिर कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो आप जरा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, किसका कॉन्जुगेट लेना आपकी मर्जी है भाई। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले देते हैं, क्योंकि फिर डिनोमिनेटर में एक टर्म आ जाएगी ना तो आसानी हो जाएगी, एक टर्म ही होगी। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, दरमियान में नेगेटिव है ना तो कॉन्जुगेट में पॉजिटिव आ जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब क्या होगा, ऊपर तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना, रूट टी प्लस वन प्लस वन रूट टी प्लस वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा रूट टी प्लस वन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए है यहां पे ये पूरी चीज, स्क्वायर करो टी प्लस वन बन जाएगा, फिर है प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी यहां पे वन था वन, तो ऊपर तो ये चीज हो रही है। नीचे क्या हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो टी प्लस वन, माइनस इसका स्क्वायर करो, वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो वन प्लस वन टू, ये हो जाएगा टी प्लस टू प्लस टू रूट टी प्लस वन, और नीचे मौजूद है वन से वन कैंसिल करो टी। मैंने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया इस वजह से था कि डिनोमिनेटर में एक टर्म चाहिए थी, क्योंकि एलसीएम ब्रेकअप कर सकते हो, तो आपने कर लिया, टी अपॉन टी होता है वन, टू अपॉन टी होता है टू अपॉन टी ही, और ये हो जाएगा टू रूट टी प्लस वन अपॉन टी। इसको आपने क्या करना है, इसको अब आपने इंटीग्रेट करना है, शुरू के दो टर्म इंटीग्रेट करना बाएं हाथ का खेल है। असल मसला है कि इसको कैसे करना है, तो पहले मैं अलग अलग कर लेता हूं, डी टी प्लस टू अपॉन डी वन अपॉन टी डी टी, क्या हो जाएगा, टू को बाहर निकालो रूट टी प्लस वन अपॉन टी डी टी। अब पेपर में अगर आप सवाल करोगे तो इन दो को एक साथ करते जाना, इसको सॉल्व करना नहीं, ये ज्यादा बेहतर है कि आप क्या करो, इसको वन बोल देना और कंसिडर करके आप इस इंटीग्रल को जो है ना जो मसला करेगा उसको जरा सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे यार, इंटीग्रेशन पे पार्ट नहीं, पावर रूल नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, यू यू काम आ जाएगा यहां पे, यू कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल इंटीग्रल है टी प्लस वन अपॉन टी, आप जरा यू करते हैं इसको, आप लेट कर लो रूट टी प्लस वन को यू, तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी वन अपॉन टू रूट टी प्लस वन, और फिर अंदर जो इसका डेरिवेटिव लो वन ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप डी टी को इधर ले जाओ। ठीक है, अच्छा ये पूरी चीज क्या होगी, इसको इधर ले आओ, डी यू के साथ लिख दो। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि ये पूरी चीज जो है ये आपने सवाल में यू के बराबर लेट किया, तो इसकी जगह आप यू लिख दो। अब जरा इंटीग्रल को चेंज करते हैं, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, रूट टी प्लस वन को आपने यू लिया है, अच्छा टी की वैल्यू आपने निकाल ली, टी कैसे आएगा, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, ये स्क्वायर हो जाएगा और टी की वैल्यू निकालो, टी आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस वन, तो टी की जगह लिख दो यू स्क्वायर माइनस वन, और डी टी की जगह क्या आएगा, डी टी बराबर है टू यू डी यू, तो अल्लाह भला करे ये इंटीग्रल हो जाएगा, टू को बाहर निकालते हैं यू स्क्वायर माइनस वन डी यू। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो यहां पे, लेकिन डिवाइड करने के बगैर इजी तरीका भी है यहां पे, जब ऊपर नीचे दोनों वेरिएबल सेम होते हैं ना और कांस्टेंट साथ लिखा होता है, तो सिंपल क्या काम करो, कांस्टेंट मैच कर लो, नीचे माइनस वन है आप अपने ऊपर तरफ से अपनी मर्जी से माइनस वन लगा दो, अपनी तरफ से माइनस वन लगाया तो अपनी तरफ से प्लस भी लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आप एलसीएम ब्रेक करो इस तरीके से कि आप लिखो यहां पे, ये टू को नहीं लिखते हम, टू को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, फालतू में टू को लिखने की क्या जरूरत है। आप एलसीएम ब्रेक करो यू स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन यू स्क्वायर माइनस वन। ये आपने मिडिल टर्म एलसीएम ब्रेक आपने इस तरह किया, क्वेश्चन नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 10 के अराउंड 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर टाइप का सवाल था, उसमें भी आपने ही काम किया था, इसी तरह एलसीएम ब्रेक किया था। अच्छा जी, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ये जो पूरी चीज लिखी हुई है ना इसकी जगह आप ये चीज लिख दो। पेपर में इस तरह नहीं करना, पेपर में इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है, आंसर निकालने के बाद चलो मैं बिल्कुल पेपर वाले ही करवाता हूं वरना आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा डी यू प्लस डी यू अपॉन यू स्क्वायर माइनस वन, ये चीज आ रही है। अब सवाल ये कि यू स्क्वायर माइनस वन को कैसे सॉल्व करोगे, नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, इस पर या तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगानी पड़ेगी
या दूसरा लेके इस पे फॉर्मुला अप्लाई कर दोगे, ठीक है, वन आई सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, आप पेपर में जाहिर सी बात है पेपर में सवाल नहीं आते, बहुत बड़े होते हैं, तो या तो पार्शियल फ्रैक्शन लगानी पड़ेगी या फॉर्मुला अगर याद होगा तो फॉर्मुला भी आप लगा सकते हो, फॉर्मुला इस पर लग जाएगा, कोई बुक में शायद लिखा हुआ है, कोई फॉर्मुला हो जाएगा इसका। पार्शियल फ्रैक्शन बड़ी इजी है, आप इसको लिख सकते हो ना यू प्लस वन यू माइनस वन, तो मुझे शॉर्टकट आती है, शॉर्टकट फिर कभी डिस्कस करेंगे किस तरीके से आंसर आते हैं। तो इसका आंसर तो यू हो जाएगा और इसका आंसर क्या होगा, आप सबसे पहले यू प्लस वन को जीरो के बराबर रखो, माइनस वन वैल्यू आएगी, इस फैक्टर के अलावा कहीं माइनस वन पुट करो तो माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू एल एन यू प्लस वन, फिर वन पुट करो ये हो जाएगा वन अपॉन टू एल एन यू माइनस वन। ये इस पूरी चीज का आंसर है जो आपने इंटीग्रल, अब आप यू की जगह टी पुट कर देना, तो यू यहां पे क्या लिया था, यू आपने रूट टी प्लस वन लिया था ना, तो ये हो जाएगा यू की जगह आप लिख देना रूट टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टू एल एन रूट टी प्लस वन प्लस वन प्लस वन अपॉन टू एल एन रूट टी प्लस वन माइनस वन। ये पूरा आंसर हो जाएगा इस चीज का, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देना हर टर्म को, यहां पे टू आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इन दोनों एल एन को आप एक साथ भी लिख सकते हो, इन दोनों एल एन का अगर आप एक साथ लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी माइनस है ना, आप इन दोनों में से माइनस कॉमन लो, जब माइनस कॉमन लोगे पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो टू रूट टी प्लस वन माइनस और कॉमन लोगे, देखो एक लॉग और दूसरा लॉग ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि आप डिवाइड कर दो, तो रूट टी प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट टी प्लस वन माइनस वन, बिल्कुल जो सवाल था वही आपके पास आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना इस पूरे इंटीग्रल को, ये मैंने पूरा आंसर लिख दिया, और शुरू के इंटीग्रल का आंसर क्या था, टी का आंसर होगा टी और इसका आंसर होगा टू एल एन टी। ये बच्चों पूरा आंसर आ रहा है सवाल का, जरा देख लेता हूँ बुक वालों ने इसका आंसर किस फॉर्म में लिखा है, किसी फॉर्म में होगा यार, इसमें क्या छेड़खानी करेंगे वो लोग, फिर भी देख लेता हूँ, टी आ रहा है, टू एल एन टी आ रहा है, एक चीज गलत हो रही है बस, यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मैंने कि टू की मिस्टेक की है यहाँ पे, अब वो ढूंढ लेना यार कहाँ पे मिस्टेक हुई है, मेरे ख्याल में कि मैंने एक गलती ये की है कि शुरू में मैंने टू कंसिडर यहां पे आ गया है टू यू, इस टू को मैंने बाहर निकाला था, हाँ मैंने ये गलती की, यहां पे जो टू आ रहा था ना मैंने उसको कैंसिल किया था, और मैं समझ रहा था कि वो टू ये वाला है, कि आप लोग सॉल्यूशन करते हुए गलती पकड़ लोगे, मैं समझता टू वाला ये वाला देखे, हालांकि टू ये वाला था, जो डी टी की वैल्यू पुट की थी ना ये वाला टू था, इसको हटा नहीं सकते थे, तो ये टू तो अपनी जगह पे मौजूद है, तो ये जो मैंने टू मल्टीप्लाई किया था ये वाला टू मल्टीप्लाई किया था, अब मुझे कौन सा टू मल्टीप्लाई करना है, अब ये वाला टू मल्टीप्लाई करना है, मैं पहले इस वाले टू को ये वाला टू सेम समझ रहा था, अलग है, मेरी हालत बहुत खराब हुई है, मैं कह रहा हूं खत्म हो जाए बस किसी से, तो पहले आपने यहां पे इनको टू से मल्टीप्लाई किया था ना, वो ये वाला टू था, अब एक और टू है वो ये वाला, अब मल्टीप्लाई करो, तो इसको टू से मल्टीप्लाई, तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि इस पूरी चीज का आंसर ये तीन टर्म थी, तो तीनों को टू से दोबारा मल्टीप्लाई करो, ये फोर हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, और इसके साथ में टू आएगा ना, लेकिन आपने कॉमन ले लिया उसको, ठीक है, तो इन शॉर्ट इसके साथ फोर आ जाएगा और इसके साथ टू आ जाएगा, जैसे बुक में लिखा हुआ प्लस सी लगा दो, यहाँ प्लस सी लग जाएगा, दैट्स इट। एक चीज मैं बता दूं, ये बुक वालों ने एक किया था जो मैं गलती पकड़ नहीं पाया, ना गलती नहीं थी, डिफरेंट अंदाज था, मैंने कहा ये सवाल फिर कॉमेंट में आ जाएगा, हर चीज बता दी फिर ये पूछ लेंगे, तो ये बुक में ना यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस की वजह कुछ स्पेशल नहीं है, वो ये कि जैसे यहाँ पे मैंने इन दोनों में से, मतलब ये टर्म थी ना, मैंने माइनस कॉमन लिया था, तो ये पॉजिटिव हो गई थी, ये नेगेटिव हो गई थी, आप क्या करो, आप इस वाली टर्म को पहले लिख दो, मतलब इस सवाल को मैं चेंज कर सकता हूं इस तरीके से, कि जो टर्म है इसको आप पहले लिख दो, तो ये वाली टर्म पहले आएगी, ये वाली टर्म इस तरह हो जाएगी, और जो पहले टर्म आ रही थी उसको बाद में लिख दो, मतलब ऑर्डर चेंज किया मैंने इनके, ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप पॉजिटिव ही कॉमन लो, तो ये वाली टर्म ये हो जाएगी दरमियान में नेगेटिव और ये हो जाएगी, बिल्कुल, तो अब देखना बुक में ये चीज ऊपर आ रही थी, मैंने देखो ये चीज ऊपर लिखी हुई थी, अगर आप ये वाली टर्म ऊपर लिखोगे तो यहां पे माइनस आएगा, लेकिन अगर आप ये वाली टर्म ऊपर लिखोगे तो यहां पे पॉजिटिव आएगा, मेथड मैंने बता दिए कि इस वाले सिचुएशन में अब देखो ऊपर ये वाली टर्म आएगी नीचे वाली टर्म आएगी, दैट्स बुक वालों का आंसर इस तरह आया, ठीक है बच्चों, ये वाला मसला भी हल हो गया, सेकेंड ईयर आपकी कंप्लीट है, कोई चीज मैंने मिस नहीं की हुई, हर चीज सेकेंड ईयर की अपलोड हो गई है, सही है, अल्लाह हाफिज़।